एंड नमस्कार हारी स्वागत आप सभी का मैं हूं हनसुख पालेवाल इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम देखिए आज आप लोगों के सामने थोड़ा सा लिंक से हटकर यानी कि हर बार हम बातचीत करते हैं जुडिशरी की सिविल जज के एग्जामिनेशन की आज जो मैं बातचीत आपके सामने करने वाला हूं वो बातचीत होगी आपके प्रोसिक्यूशन की अभियोजन जिसको कहा जाता है देखो हम सभी जानते हैं कि राज्य की स्टेट की ड्यूटी होता है कि वो अपने नागरिकों की जो है अपराध से रक्षा करे उनको प्रोटेक्शन दे और अगर कोई अपराध अगर किसी पर्टिकुलर नागरिक के विरुद्ध होता है तो ये माना जाता है कि वो अपराध जो है स्टेट के विरुद्ध हुआ है और यही कारण है कि प्राइवेट कंप्लेंट वाले मामलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्रिमिनल केसेस में क्या होता है स्टेट जो है एक पार्टी होता है और वो पार्टी कौन सी उसको बोला जाएगा प्रोसिक्यूशन तो जब स्टेट पार्टी बनता है तो स्टेट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार का भी कोई वकील होना चाहिए है ना तो जो सरकार का वकील होता है जो सरकार के मामले की पैरवी करता है अभियोजन की पैरवी करता है वो कहलाता है आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अगर वहीं एडवोकेट मान लीजिए लॉवर कोर्ट के अंदर यानी कि आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर डील करता है तो उसको हम कहते हैं ए पी पी हालांकि अगर मैं ये शब्द आज के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करता हूँ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो मेरे द्वारा ये शब्द यूज किया जाना गलत है ऐसा क्यों है उसके पीछे भी कारण सुन लीजिए 2017 के अंदर 2017 के अंदर अपने आप में चेंजेज हुआ नॉमिन जो है वो ए पी पी का बदल कर ए पी ओ कर दिया गया ऐसा क्यों हुआ वो भी सुन लीजिए नाराजगी थी कहीं कहीं जो है सरकारी अभियोजन अधिकारियों के बीच में कि भाई हमको जो है आप पीपी -पी मत बोलो हम भी जो है एक अधिकारी वर्ग के क्या करते हैं डिग्निटी को डिजर्व करते हैं और इसीलिए ए पी पी का जो है वो नामांतरण होकर क्या हो गया एक तरीके से ए पी ओ हो गया इसीलिए सबसे पहले तो मुझे जो काम करना है वो ये है स्क्रीन पर जो वर्ड ए पी पी लिखा हुआ है उस ए पी पी वर्ड के ऊपर मुझे लगाना है क्रॉस और आज के बाद हम उसको किस नाम से जानेंगे ए पी ओ क्या बोलेंगे इसको ए पी ओ तो यहाँ पर ये यह जो शब्द है इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप ये मैंने सिर्फ लिखा इसीलिए था ताकि आपको एक कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए ठीक है तो ए पी पी कहना गलत है अभी हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे ए पी ओ करेंगे हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी और दूंगा कि ए पी पी वर्ग सेकेंड अगर आप जैसे मान लो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाते हैं और आप पुराने वाले जो रिक्रूटमेंट है उसको सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको ए पी पी सेकेंड ग्रेड मिलेगा इसका मतलब क्या था कि जैसे मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है एक होता है आपका सी जी एम कोर्ट तो सी जी एम कोर्ट के सामने जो है उसको अपन ए पी पी फर्स्ट ग्रेड कहा जाता था सेकेंड ग्रेड कहा जाता था लेकिन अभी के लिए हमको इतना ध्यान रखना है भैया क्या आपके असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ये इनका नाम है जो रहेगा अच्छा अब आप में से कई कैंडिडेट के मानसिकता में ये भी चल रहा है कि सर आज आपने ये टॉपिक ले रहे हो तो क्यों क्या कोई वैकेंसी वैकेंसी आ गई है नहीं यहाँ पर आपको सिर्फ बता दूं कि जो आर है जो पब्लिक सर्विस कमीशन है संविधान के आर्टिकल 315 के तहत उसने क्या किया है उसने अपना एक एग्जाम कैलेंडर है जो जारी किया है क्या किया है एग्जाम कैलेंडर और उस एग्जाम कैलेंडर के तहत जो है ना उसने ये घोषणा की है कि उसके द्वारा ए का एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट करवाया जाएगा अब जल्दी यानी कि आईपीसी कह रहा है जल्दी इन द सेंस कि आपके प्रोबेबली जो है अक्टूबर नवंबर के अंदर हो सकता है वैकेंसी आएगी और उसके बाद में जनवरी फरवरी तक उसका एग्जाम होगा ओके ये बात तो अपने आप में क्या हो जाएगी तय है जो हो जाएगी अच्छा अब एक और चीज़ को सुन लीजिए कि आप अगर मान लीजिए प्राथमिकता दे रहे हो कि भाई हाँ मुझे एपीपी का एग्जाम देना चाहिए पहला तो ये चीज़ कि, कि कहीं कंफ्यूजन ही है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो आप में से कितने कैंडिडेट्स इस असमंजस के अंदर है कि हमें एपीपी का एग्जाम देना है या नहीं देना है फटाफट मुझे एक बार थम्सअप कर दो एक बार अप करके ये कंफर्म करा दो कि आप में से कितने कैंडिडेट इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि भाई हमें एपीपी का एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हमारा तो टारगेट जो है वो जुडिशरी है और हम जुडिशरी का एग्जाम फाइट करेंगे अगर है ऐसे आपके माइंड में ऐसा कुछ कंफ्यूजन तो मुझे जल्दी बता दीजिए सर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा तब तक अच्छा तो जब लेट हो जाएगा तो कर भी क्या सकते हो एक चीज ध्यान में रखना कि कई बार जो है भैया थोड़ा समय तो लगता है हर चीज के अंदर और ये उसी चीज का है तो मैं देख पा रहा हूं पर स्ट्रेंजर निखिल जी मनुरा जी जी रविंद्र प्रखर मोना जी इनकी तरफ से थम्सअप आ रहा है कोई कैंडिडेट्स यूपी यूपीएपीओ के बारे में जानकारी चाह रहे हैं ठीक है कुछ कह रहे हैं सर नहीं देना है हमको तो जज ही बनना है चलो ठीक है समझ लो तो आज का ये क्लास जो है वो डेडिकेटेड है यूपी सॉरी राजस्थान का जो एपीओ एग्जाम 2011 के अंदर हुआ था उसके पेपर सॉल्यूशन को लेकर मैं आपको बता दूं उस क्लास जो आपके मन का डाउट है ना उसके बारे में स्पेशल डिस्कशन करेंगे आज की तारीख में ही करेंगे लेकिन रात को 10 बजे करेंगे कितने बजे रात को 10 बजे हम इसका डिस्कशन है जो करेंगे उससे पहले हम इसके प्रीवियस पेपर का क्या करेंगे सॉल्यूशन करने वाले हैं तो आप लोग पहले देख लो सवालों का लेवल कैसा है अगर आपको लगे कि ठीक है तो दे देना अदरवाइज कोई बात नहीं लेकिन रात को दस बजे वाला एपिसोड देख लेना क्या जुडिशरी के कैंडिडेट्स को एपीपी का एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन उसके लॉजिकल रिलेवेंसी मैं आपके सामने वहां पर रखने वाला हूं और ये आपके ऐप पर होगा अन अकेडमी ऐप पर होगा जहां पर आपको ऐप डाउनलोड करके रखना है वहां से फिर आप क्या कर पाओगे लिंकिंग कोड डाल के आप उसमें ज्वाइन कर सकोगे सेशन को सेशन लॉक्ड रहेगा अनलॉक करने के लिए आपको लिंकिंग कोड इस्तेमाल करना रहता है चलो भाई अब देरी के बिना सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं देखो ऐसा है कि अभी के सिलेबस में जैसे मान लो उसके बाद 2015 का भी एग्जामिनेशन आपका हुआ था 2015 का भी हुआ था और 2011 के अंदर सर एपीओ टारगेट है एपीओ ईपी सुपीरियर देन अ जज अकॉर्डिंग टू मी देखो ऐसा है जीवन के अंदर अगर खुश रहना है ना तुलना करना छोड़ दो अपने को उससे कोई तुलना-वना नहीं करनी है आप जित किसी बंदे को फ्रीडम चाहिए होती है वो चाहता है कि मैं एक कोर्ट पर एक सीट पर बैठा नहीं रहूँगा मैं जो है अलग अलग आराम से अपनी मस्ती से अपना खुद को ऑफिस लेके बैठूंगा है ना अलग अलग केसेस के ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को डील करूंगा तो वो ए की तैयारी करता है और ए अपने आप एक अलग अच्छा पोस्ट भी है और आपको एक बात बता दूं आप में से शायद बहुत लोग जानते भी होंगे कि कई कई न्याय दिलाने का जो काम है ना ध्यान से सुनना मेरी बात को ये बात मैं किसी भी एंगल से डिग्निटी को मिस इनपीच नहीं कर रहा हूँ लेकिन हकीकत यह है कि एक आपराधिक मामले में न्याय दिलाने का सही मामलों के अंदर जिम्मेदारी है ना एपीओ उठाता है हम लोग कहते हैं ना कि हम गरीबों को न्याय दिलाना चाहते हैं वगैरह वगैरह एज ए जज आप बंधे हुए हो आप एविडेंस के नियमों से बंधे हुए उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते लेकिन जो एपीपी होता है ना जो पीपी होता है ना वो सारे एविडेंस को खोद निकालता है एक तरीके से और जो विटनेस झूठ बोल रहा है उसके बारे में जो क्या करता है बातचीत जो अच्छे करके उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देता है क्रॉस एग्जामिनेशन एक अच्छा एपीपी देश के लिए गर्व की बात होता है इस लाइन को मैं साबित भी करूंगा अभी नहीं दस बजे वाली क्लास के अंदर तो मेरा आपसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है ये जो 10 बजे वाली क्लास है ना वो जरूर देखना चलो 2011 के अंदर जो आपके मोस्ट ऑफ आप सवाल आए थे वो 10 अलग अलग कानून से आए थे ठीक है दस अलग अलग कानून से आए हे राम सैलरी क्या है सर वो बताओ पहिया कितना मिलेगा पहिया कितना मिलेगा बस उस मुद्दे को लेकर सबसे पहले सवाल हा इसके बारे में भी बातचीत करेंगे यहां पे नहीं दस बजे वाली क्लास में करेंगे यार इतना पैसे का टेंशन मत लो खूब पैसा मिलेगा खूब पैसा मिलेगा ठीक है अब पहले यहां पर आ जाओ तो आपके दस वहां पर क्या थे पेपर थे दस में से तीन तो आपके हैं मेजर लॉ मजेदार बात यह है कि अगर आप एपीपी की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिविल लॉ से पीछा छूट जाता है सिविल लॉ आपके सपनों में नहीं आएगा ठीक है क्या होगा यहां पर देखो इंडियन पिनल कोड इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आपके इंडियन एविडेंस एक्ट ये तीन तो थे मेजर कानून 2011 के अंदर अभी क्राइटेरिया बदल चुका है अभी जो है क्राइटेरिया है जो बदल चुका है पहले जो पेपर आया था मैं उसके बारे में बात है जो कर रहा हूं देखिए यहां पर तो ये तीन मेजर एक्ट थे जिन तीनों मेजर एक्ट में से मिला के टोटल सिक्सटी क्वेश्चन आए थे, थे आउट ऑफ हंड्रेड कितने टोटल 66 जो हैं वो आपके तीनों मेजर कानून से आए थे ये जो 2011 का पेपर सॉल्यूशन है वो भी दो पार्ट में होगा ताकि जो कैंडिडेट्स वाकई में दिल से एपीपी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको परफेक्ट एनालिसिस मिल सके ठीक है आ जाइए यहां पर अब तो बाकी के जो कानून है आपके माइनर लॉ मोटर व्हीकल है आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है एनडीपीएस कानून है आर्म्स एक्ट है राजस्थान एक्साइज एक्ट है एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है या फूड सेफ्टी या और भी कोई कानून इनके बारे में जो सोल्यूशन कराया जाएगा वो आपको मंडे को होगा ध्यान रखना मंडे को दोपहर को पांच बजे ठीक है मंडे को कल संडे नहीं मंडे को पांच बजे होगा अब वन बाय वन सवालों को डिस्कस करते हैं पहला सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि इनमें से कौन जो है नहीं है वो इज नॉट द पब्लिक सर्वेंट इनमें से कौन जो है क्या नहीं है पब्लिक सर्वेंट जो है नहीं है ये सवाल वहां पर पूछा गया था आप लोग क्या कर सकते हो सवाल का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो मैं आपको बता दू कि लिंकिंग लॉ का जो पूरा टीम है आप लोगों के लिए समर्पित है चाहे हमारी टीम का कोई भी मेंबर क्यों ना हो हमारे शिवानी सोलंकी मैम आपने देखा होगा माइनर लॉ के अंदर हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे जगदीश जांगीर सर आपके जीके के प्रोविजन के अंदर हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं हमारे सूर्य प्रकाश सर इंग्लिश के मामलों के अंदर कभी आपने देखो ग्रामर का मामला ऐसे का मामला पूरा डेडिकेशन का रहेगा पी, पी शुक्ला सर जिनकी उम्र से उनके जोश का आप अंदाज नहीं लगा सकते अनुप उपाध्याय सर हो या हमारे अपूर्वा मैम हो सारी की सारी लिंकिंग लॉ एजुकेटर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तत्पर है और हमेशा रहेंगे ओके अब देखिए तो इस सवाल के अंदर क्या है नॉट अ पब्लिक सर्वेंट वो सर्वेंट कौन जो है public servant नहीं है? सीएम या पी जज या मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट सर्वेंट या प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह तो देखो इसमें चार में आपका आंसर क्या है? आंसर यहां पर दे सकते हैं आपका जो भी आंसर है आप यहां पर दे सकते हैं इनमें से कौन जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है मैं आपको बता देता हूं एक के आर अंतुले का जजमेंट आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि एमएलए जो होता है ना एमएलए को क्या नहीं माना जाएगा एमएलए को नहीं माना जाएगा क्या एक पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा लेकिन वहीं पर करुणा निधि का एक जजमेंट था नाइनटीन का करुणा निधि उस जजमेंट में यह कहा गया था कि जो सीएम होता है और जो प्राइम मिनिस्टर है उनको आप क्या करोगे उनको बकायदा पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा ठीक है तो पहला तो मामला जो है अब सबके कैंडिडेट्स के अलग अलग जवाब हैं कोई की में आते है जज और मैजिस्ट्रेट भी आते हैं ठीक है ठीके? आपके प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो भी आएंगे क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल ठहरे तो आप सरकार से पैसा तो ले ही रहे हो लेकिन ये जो डेपुटेशन पे होता है ना डेपुटेशन बोले तो टेम्प्रेरी व्यवस्था उन लोगों को आप गवर्नमेंट इसमें पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं लोगे पर मैं आपको दो बातें और बता देता हूं कि इंडियन इंडियन पीनल पीनल कोड कोड और आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन दोनों के अंदर ही पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित है जो कर रखा है पीसी एक्ट कब का आपका नाइनटीन आपके कब का है हालांकि पीसी भी आईपीसी की परिभाषा को रेफर है जो कर रखा है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है वो ये रहेगा कि जो आपके डेपुटेशन वाला अधिकारी है ना उसको हम लोग क्या नहीं कहते पब्लिक सर्वेंट नहीं कहते अब मजेदार बात सुन लो आपका जो सेक्शन ट्वेंटी इंडियन पिनल कोड का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें टोटल ट्वेल्व कैटेगरी है ट्वेल्व बारह उसमें क्या दे रखी कैटेगरी है जो दे रखी है, है जो बहुत मायने रखती है देखो आपके मन में जो भी सवाल हैं किसके बारे में आ, इसके संबंध में उन सारे सवालों का जवाब दस बजे की क्लास में मिल जाएगा अभी मेरी आप लोगों से गुजारिश है या दिल तन मन सब मिलाकर जो है ना इस पेपर को समझने में रखना लेवल है कुछ सवाल वाकई में बहुत बेहतरीन दे अब इस सवाल को देखो मैं आपको बता दूं कि मैंने जुडिशरी के अंदर जनरली ऐसा सवाल नहीं देखा जुडिशियरी एग्जाम के अंदर इस तरह का सवाल नहीं देगा क्या है जरा ऑब्जर्वेशन रखो इस सवाल में पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा संयुक्त व आनुविक यानी कि आपके जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के बारे में प्रोविजन जो है नहीं करती है नेगेटिव भाषा में सवाल पूछा गया और आपके सामने ऑप्शन कैसे रखेंगे देखो पहला ऑप्शन सेक्शन 34 35 37 सेक्शन 36, 141, 149, 396 अब पता है वो कैंडिडेट जो कहता है मेरे को सेक्शन याद नहीं होते मेरे को सेक्शन याद मैं बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ सब कुछ कर लेता हूँ लेकिन क्या होगा वहां पर मेरे को सेक्शन जो है याद नहीं होते तो ध्यान रखना है इस बारे में क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर अच्छे से समझना इस चीज को फॉलो करना कि यहाँ पर इस तरह के सवाल जब एपीपी एग्जाम में आते हैं ना तो वहां पर अच्छे खासे लोगों की बैंड बच जाती है अच्छे खासे लोगों की बैंड है जो बच जाती है अब इसका आंसर क्या होगा देखो यहां पर सेक्शन 34, 35, 37 इन सभी के अंदर जो है ना कहीं कहीं एक कॉमन इन्वॉल्वमेंट होता है इसका सही आंसर रहेगा 36। 36 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंसान कोई भी अपराध जो है पार्टली तो एक्ट करके करे और पार्टली जो है ओमिशन करके करे जैसे एक जेलर ने क्या किया कैदी को खाना नहीं दिया दो दिनों तक ये उसने क्या किया ओमिशन किया खाना नहीं देना और उसके बाद में उसने उसकी पिटाई कर दी कुटाई कर दी तो वहां पर उसने एक्ट एक्ट कर दिया तो पार्टली एक, पार्टली ओमिशन लेकिन करने वाला तो एक ही व्यक्ति है ना यहां पर आपके जॉइंट लाइबिलिटी की बात नहीं आती है तो जो आंसर सही रहेगा वो कौन सा आंसर रहेगा सेक्शन थर्टी रहेगा अब देख लो आप में से कितने कैंडिडेट्स के आंसर यहाँ पर गलत हो रहे हैं अच्छे से ऑब्जर्व करना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं अपने आप में परफेक्ट आंसर है ना मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो मामला है 2011 का ये डिस्प्यूटेड भी हुआ था इसकी रिवाइज आंसर की भी निकाली की थी राजस्थान बनाम कमलेश कुमार 2013 के अंदर राजस्थान वर्सेस कमलेश कुमार के अंदर ये मामला जो है आपके एपीपी 2011 के एग्जाम के कई सारे सवाल जो है चुनौती भी दी गई उनको हाईकोर्ट के अंदर ठीक है तो अब यहां पर इसका आंसर क्या रहेगा आपके सेक्शन 36 है जो रहेगा यानी कि यहां पर पार्टली एक्ट होता है पार्टली जो क्या होती है किसी तरह का ऑमिशन है जो किया जाता है अच्छा बाकी के मामलों में अनलॉफुल असेंबली 141 है ना 149 आपके ज्वाइंट कॉमन ऑब्जेक्ट वाले संदर्भ में आता है 396 डकेती विद मदर तो डकेती कौन करता है डकेती करने वाले पांच लोग कम से कम होने चाहिए तो ज्वाइंट लाइबिलिटी वहां पर 460 के अंदर भी इसी तरह का प्रावधान आपके सामने आएगा तो यहां पर आपका आंसर बनेगा सेकंड वाला 36। सिक्स यहां पर क्या नहीं होगा यहां पर यह चीज नहीं है ओके चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले पॉइंट पर नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 85 अब इस सवाल को देखो सवाल के लेवल को देखना सबसे अच्छी बात ये आकाश कुमार जी अच्छे से ऑब्जर्व करो इस सवाल को क्या लिखा हुआ है इनमें से कौन सा ऑफेंस द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 85 फाइव आईपीसी विल नॉट बी गिवन अब 85 का क्या बेनिफिट है जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए सवाल सीधा बाउंसर जाएगा आप देखो यहां पर भी सवाल के अंदर भी एक सेक्शन आंसर के अंदर भी एक से ज्यादा सेक्शन इस तरह के सवालों का लेवल है ना ये छोटा मोटा लेवल नहीं होता है ये अच्छा खासा लेवल होता है आपको सोचने के लिए समय लेना पड़ेगा आपको सोचने के लिए समय लेना पड़ेगा एक बात मैं बड़ी क्लियर कह देता हूं जिस कैंडिडेट्स के मन में जिस बंदे या जिस बंदी के माइंड में ये सेट है कि हाँ मुझे राजस्थान एपीपी का एग्जाम क्रैक करना है तो मैं आपको बता देता हूं तैयारी करनी पड़ेगी एक लेवल की छोटा मोटा एग्जाम मत समझना है इसको है ना छोटा मोटा एग्जाम मत समझना अब देखो इस सवाल के अंदर क्या पूछा कि 85 का बेनिफिट किसको नहीं मिलेगा 85 क्या होता है आईपीसी का कि भाई अगर आपने इंटॉक्सिकेशन जो आपकी मर्जी से नहीं है है ना इंटॉक्सिकेशन जो आपकी मर्जी से नहीं है वहां पर अगर आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपको उस अपराध के लिए सजा नहीं मिलेगी यही है यानी कि नशे का बेनिफिट आपको मतलब आपने किसी ने आपको नशा करवा दिया तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है ना अब देखो इस लेवल के अंदर तो यहां पर क्या है कि आईपीसी के में 85 का बेनिफिट कहाँ नहीं मिलेगा तो यहां पर क्या इंटॉक्सिकेशन वाला मामला आ रहा है तो ये जो आपके पब्लिक न्यूसेंस वाले अपराध होते हैं ना चैप्टर 14 वाले 268 से लेकर 294 नाइनटी फोर ए कहां पर सेक्शन 268 से लेकर 294 नाइनटी फोर ए इसमें क्या होता है आपके नेग्लीजेंटली या फिर आपने कोई इस तरह से हरकत किया है पॉल्यूशन कर दिया मिलावटखोरी कर दिया मॉरलिटी की नैतिकता के नैतिक विरुद्ध कोई अपराध कर दिया वहां पर आपको कभी भी नशा होने का बेनिफिट नहीं मिलता है है ना वहां पर आपको इंटॉक्सिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है विशाल जी ऑब्जर्व करना सवालों को बढ़िया से बढ़िया सवाल मैं सच कह रहा हूँ इसको अच्छे से जीना आप लोग कितने कैंडिडेट क्लास देख रहे हो कितने नहीं देख रहे हो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप भी कोई फर्क मत रखना क्योंकि जो कैंडिडेट अगर सीरियस होगा ना वहीं आके पढ़ेगा बाकी सब बैठे हैं अपनी जगह पर और बैठे ही रह जाएंगे अब आप इसको देखो तो यहां पर क्या है इसमें एक लॉजिक होता है क्योंकि ये पब्लिक ऑफेंसेस है आपके जैसे कि आप मान लीजिए पब्लिक न्यूसेंस का मामला आ गया फूड एड एडल्ट्रेशन फूड एडल्ट्रेशन का मामला आ गया वहां पर या फिर पॉल्यूशन का मामला आ गया नेग्लिजेंसी का मामला आ गया वहां पर कुछ लेना देना ही नहीं है आपका माइंडसेट कैसा था ड मैटर आप कोई पब्लिक ऑफेंस कर रहे हो डजेंट मैटर कई बार पुलिस वाला हमको पकड़ता है नेग्लीजेंट ड्राइविंग करते हुए हम कह सकते हैं कि मैं तो थोड़ा नशे की हालत के अंदर चला रहा था गाड़ी वो के आजा बेटा साइड के अंदर तो ये पब्लिक न्यूसेंस वाले अपराध है जो होते हैं ध्यान रखना इस पॉइंट को और बहुत ही अच्छा सवाल ही है ये लेकिन यहां पर पता है जो कैंडिडेट एक एक ऑप्शन को ढूंढने बैठेगा ना वो सोचेगा अरे यार 323 क्या है 325 ट्वेंटी फाइव क्या है? ना यहां पर रेंज मेथड वर्क करता है रेंज मेथड भी काम करता है अब जैसे आप देखो ये अपराध आपके चैप्टर सिक्सटीन मतलब कहेंगे बॉडी वाले अपराधों की लिस्ट के अंदर आते हैं यहाँ पर बॉडी वाले अपराध भी आ रहे हैं और साथ साथ में आपके मैरिज वाला ऑफेंस भी आ रहा है तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है ये रिलीजन वाला अपराध आ रहा है है ना तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा मामला किस तरीके से डील करेगा ठीक है चलो भाई बच्चे आईपीएल देख रहे देखने तो कोई दिक्कत नहीं है जीवन का एक आईपीएल उनका खुद का भी बढ़ जाएगा जब दुनिया देखेगी जब दुनिया देखेगी देखो भाई हमें तो पढ़ना है और एक बार तो है ना अपनी औकात को साबित करके दिखाना है वरना दुनिया तुमको यही कहने वाली है तेरे से नहीं हो पाएगा भाई तू छोड़ दे तो आ जा बापू जी की दुकान संभाल ले ये कर ले वो कर ले और फिर खुद के ऊपर लानत करेंगे इससे बढ़िया पढ़ लेते थोड़ा अभी कुछ टाइम के लिए और कौन सा आई पी एल जहां पर नीलामी के टाइम में क्रिकेटर की बेजती एक हो जाती है उस आईपीएल को देखना है वो रोड के साइड में पड़ी थी बी नाम का एक व्यक्ति जो है उसकी डेड बॉडी के साथ में सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है उसके द्वारा कौन सा अपराध यहां पर किया गया है ना ये पॉइंट मैंने YouTube पर एक ऐसा सेशन भी ले चुका हूं अगर आप में से कैंडिडेट्स को याद हो तो ये पॉइंट पर हम लोग ऑलरेडी सेशन भी है जो ले चुके हैं यहां पर कौन सा अपराध आएगा यहां पर अपराध आएगा धर्म के विरुद्ध होने वाले अपराध में सेक्शन टू देखो डेड बॉडी की इंडिग्निटी करना कॉर्पस कॉर्पस का इंडिग्निटी करना किसके अंदर आता है आपके 297 के अंदर आता है <coughs> नोटिफिकेशन आया है क्या आपका सर जी नहीं एपीपी का नोटिफिकेशन आया है क्या नहीं आया है एडवांस में तैयारी कर रहे हैं कल प्यास लगेगी ना आज कुआ खोद रहे हैं पहले से कल नहीं खोदना पड़ेगा समझ रहे हो चलो तो ये पॉइंट हमारे सामने आता है सेक्शन टू नाइनटी सेवन का ठीक है टू नाइनटी सेवन में क्या इंडिग्निटी ऑफ कॉर्पस पहुंचाना या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पर आप एक तरह से अतिक्रमण वगैरह करते हो तो वो पॉइंट तो आंसर टू नाइनटी सेवन यहां पर रेप का ऑफेंस क्यों नहीं हो सकता ये पॉइंट मैं पहले भी किया वापस बता देता हूं क्योंकि वो महिला मर चुकी है जब महिला मर जाती है तो आईपीसी के अंदर वुमन की परिभाषा में वो कवर नहीं होती है क्योंकि वुमन की परिभाषा में लिविंग पर्सन होना चाहिए रेप हमेशा जिंदा महिला के साथ हो सकता है मरी हुई महिला के साथ नहीं होता है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे 297 जो हमारे लिए रोल प्ले करेगा आपके रिलीजन वाले जो अपराध है ना 295 से चैप्टर 15 295 से लेकर 298 तक का जो क्राइटेरिया है वो इसके अंदर कवर होता है चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर इन पॉइंट्स को कोरिलेट भी करना लॉजिक क्या है इस चीज के पीछे है ना कनेक्शन क्या है डेड बॉडी के अगेंस्ट होने वाले सारे अपराधों को अगर आप इकट्ठा कर लोगे ना तो आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहां पे कौन कौन सी चीज आती है ओके तो पे कौन कौन सी चीज है जो आती है चलिए अगला सवाल हमारे सामने ये इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है कि जवान लड़की की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उसके सब के साथ में जो है कोई बी नाम का व्यक्ति आके शारीरिक इंटरकोर्स करता है वगैरह वगैरह खैर कल पे अब देखो मैं आपको सच बता रहा हूं यार ये कुछ सवालों ने दिल जीत लिया आप देखिए ये जो सवाल आपसे पूछा गया है ना इस सवाल का आंसर 90 परसेंट कैंडिडेट उस टाइम एग्जाम में भी गलत करके आए थे और अभी भी कम से कम 50 परसेंट कैंडिडेट गलत करके आएंगे अगर काश यही सवाल में अनअकेडमी ऐप पर पूछ रहा होता ना तो मैं इमीडिएटली पोल क्रिएट करता चलो बताओ भाई इसका आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है कल्पेबल होमिड अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन थ्री वैन क्या होगा एक्ट इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ The the act Act is is done with the intention to cause that. Act is done with the knowledge to cause that. Act is done with the intention to cause that. अब आपको लगेगा सर आपके टाइपिस्ट ने कुछ टाइपिंग एरर कर दी है है ना? अब आप में से कही फटाफट आंसर दीजिए यहाँ पर लगना चाहिए कि वाकई में आप कितने एक्टिवेट फॉर्म के अंदर हो क्योंकि यही चीज़ जो है ना यही चीज हमें बताएगी कि हमारा जो मामला है वो कैसा चल रहा है, है ना हमें इस बात को क्या करना है अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हुए चलना है बताइए भाई इसमें आपको आपका क्या आंसर लग रहा है यहां पर चैप्टर 16 में बॉडी से रिलेटिंग ऑफेंस है आ, तो ठीक है ना तो क्या हो गया यहां पर अपन बात तो चैप्टर 15 की कर रहे हैं आपस में डिस्कस चल रहा है देखो तो डी सी थ्री अलग अलग आंसर यहां पर आ रहे हैं अलग अलग आंसर यहां पर आ रहे हैं मैं आपके लिए आईपीसी का एक बेरैक लेकर आता हूं है ना मुझे एक सेकंड कुछ सेकंड का समय दीजिए बेरैक लेके आ रहा हूं जी और आप लोग भी आईपीसी का बेरेट खोल दो इस सवाल को पढ़ने में मजा आएगा इस सवाल को पढ़ने में मजा आएगा और आज आप अभी इसी वक्त एक नया तरीका भी सीखोगे सेक्शन 300 निकालो फटाफट क्या लिखा है यहां पर कल्पेबल लोमिस ना चलो सेक्शन 299 से निकालो दोनों एंगल से पढ़ा जा सकता है 299 निकालो आप सेक्शन 299 निकालो फिर से कह रहा हूं इस सवाल को 90 प्रतिशत कैंडिडेट ने गलत किया था देखिए यहां पर टू नाइनटी नाइन आपने निकाला टू नाइनटी नाइन के अंदर यहां पर आपके सामने वो इज द कॉज डेथ इंटेंशन है परिभाषा टू नाइनटी नाइन में दे रखी है लेकिन यह पॉइंट आपको यहां से कनेक्ट नहीं करना है, है, ना? लिखा हुआ है लेकिन इसका कनेक्शन आपको टू नाइनटी नाइन से कनेक्ट नहीं करना है आप जरा थ्री हंड्रेड पर आओ थ्री हंड्रेड पर आओ अब इस पॉइंट को देखना ऑब्जर्व करना यहां पे क्या लिखा हुआ है 300 में सेक्शन परिभाषा पढ़ रहा हूं मैं एक्सेप्ट इन द केसेस केस इन इसको ब्रैकेट में डाल दू मेन पॉइंट पढ़ता है डेथ इज कॉड क्या लिखा हुआ है इफ द एक्ट यहां पर वर्ड आ रहा है आपके सामने दी दी वर्ड आ रहा है इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विदेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ दी वर्ड क्यों आया है कि जो एक्ट आपने किया है उसी का वापस रेफरेंस देने के लिए उसी का वापस रेफरेंस देने के लिए जैसे अपन तो आप आप तो यहां पर ये पॉइंट आ रहा है दी और इसका एक आंसर सिर्फ यही है कि इसकेट ने यह ध्यान नहीं रखा ना उसका आंसर खोटा हो गया अब लॉजिक क्या है इसके साथ में क्योंकि आप कल्पेबल होमिसाइड के उस एक्ट को कनेक्ट कर रहे हो मर्डर के साथ में तो यहां पर दी वर्ड का मतलब है कल्पेबल होमिसाइड वाला वो जो एक्ट था ना वो एक्ट अगर कॉज डेथ के साथ किया गया है तो जुडिशरी के अंदर इस एंगल से कोई नहीं सोचता इस एंगल से कोई नहीं सोचता अब यहां पर दो ओपिनियन बनती है कि आरपीसी बहुत ही बकवास सवाल बनाती है या फिर ये ओपिनियन बन सकती है आईपीसी बहुत ही डेफ्थ वाले सवाल भी बनाती है ठीक है ये आपको ध्यान है जो रखना है गजब है ना जब भी यहां पर कोई पेपर सॉल्व कराओ हो सबसे पहले अच्छा एपीपी का एग्जाम आ गया क्या सर पेपर सॉल्व करा रहे इसका मतलब एग्जाम एग्जाम आया होगा अरे आने वाला है आने वाला है हम इसको तैयार करेंगे अलका जी इसको गहराई से पढ़ना पड़ेगा दी वाला जो पॉइंट है ना मतलब अच्छा लेवल का सवाल सिर्फ एक वर्ड के कारण इसमें से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के सवाल गलत हो गए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ए एंड बी बोथ वर ट्रैवलिंग ऑन एरोप्लेन मैं आपको बता ए और बी दोनों जो एरोप्लेन पे ट्रैवलिंग कर रहे थे बी ने क्या कर दिया ए को दान जान जान बुझ कर धक्का दे दिया ए नीचे जो पेड़ के ऊपर गिर गया और मर गया तो क्या यहां पर उसने कौन सा अपराध किया है है ना ए ने कौन सा अपराध यहां पर किया है सीधी सी बात है मर्डर का अपराध किया है यहां पर यहां पर क्या है मर्डर का अपराध किया उसको नॉलेज था कि भाई मैं एरोप्लेन से धक्का दे रहा हूं वो स्पाइडरमैन तो है नहीं सुपरमैन तो है नहीं कि बच जाएगा तो जब आपको नॉलेज होता है कि सामने वाले के मरने की ऑल प्रोबेबिलिटी है तो मामला किस में चला जाएगा वो मर्डर में चला जाएगा अब इस सवाल ने इंटेंशन नहीं रखा तो इंटेंशन नहीं भी हो तो भी मैटर नॉलेज है आंसर क्या होगा तीन के अंदर यह मामला है जो जाएगा ये तो क्या है सिंपल सा सवाल था इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अगला सवाल देखो आप यही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अ पर्सन में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इज प्रॉपर्टी खुद की ही प्रॉपर्टी को चोरी कर रहा है सेक्शन 379 और मेरेदार बात सुन लो ये सवाल भी लगभग लगभग 50% गलत करते हैं इस को अपनी ही चुराना, है ना? अब इसमें क्या पूछा गया है कि में भी इस 379 IPC, as, जब उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे रखी है एज अ क्या बेलमेंट में दे रखी है और वो उसको यूज कर रहा है गिफ्ट में या ट्रस्ट के अंदर दे रखी है सिक्योरिटी के रूप में दे रखी है या बेलमेंट गिफ्ट रिपेयर एंड यूज के पर्पज के लिए दे रखी है बताइए बेलमेंट एंड यूज समझ गए कि आपने किसी को दूसरे इंसान को प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है जी एक्ट ही इंटेंशन शो कर रहा है बिल्कुल कैलाश जी वो मामला शॉर्ट आउट हो गया बस नए सवाल पे आ जाओ इस सवाल का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कोई इंसान खुद की ही प्रॉपर्टी का जो है चोरी कैसे करेगा वैसे तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं जैसे अगर एक इंसान ने अपनी घड़ी जो है किसी को रिपेयर करने के लिए दी और फिर जब वो घड़ी लेने गया वहां पर वो दुकानदार नहीं बैठा था आप अपनी घड़ी लेके आ जाते हो और आपने ये काम डिसऑनेस्टली के साथ किया है तो यस है हाँ। ना अब यहाँ पर इनमें से देखा जाए ना तो आप इसमें बेलमेट फर्स्ट और थर्ड दोनों के अंदर मामला टिक कर सकते हो लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा है सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सपोज करो कि आपने अपनी बाइक किसी के पास गिरवी रखाई आपकी बाइक है आपकी ऑनरशिप की बाइक है आपने किसी के पास एज ए सिक्योरिटी रखवा रखी आ तो यहां पर आपका इंटेंशन प्रूफ होता है तो जो आपका बेस्ट आंसर है बेटर आंसर है वो क्या होगा सिक्योरिटी सिक्योरिटी परपज के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हो ना जैसे आपने को, उसको प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा दिया फिर खुद ही की बाइक खुद ही लेकर गए तो ये आपका इंटेंशन है जो जाहिर करता है आपको पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हालांकि इस चीज के और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं आपने अपनी चीज को क्या कर रखा है किसी और के पास रखा है और उसकी अनुपस्थिति में आप वो आ रहे हो तो मामला उसके अंदर बन सकता है ये मामला भी उसके अंदर कवर हो सकता है तो चार में से जो बेस्ट आंसर है वो आपके इसके अंदर कवर है जो होगा अच्छा अब आप जैसे कह रहे हो गिफ्ट अब जैसे किसी के माइंड में आ रहा है कि इससे चौथा आंसर क्यों नहीं होगा अरे भोले मानुष दिमाग लगाओ यहां पे क्या लिखा हुआ है गिफ्ट तो जब किसी इंसान को आप गिफ्ट करते हो तो आपकी वो प्रॉपर्टी कैसे रहेगी बताओ जरा आपने किसी को गिफ्ट कर दिया है तो वो प्रॉपर्टी आपकी कैसे रहेगी अगर वैलिड गिफ्ट किया है 122 ट्वेंटी टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को लिंक करो यहाँ पर अगर आपने वैलिड गिफ्ट किया है, तो बात खत्म होगी ना वो प्रॉपर्टी आपकी रही नहीं तो इसीलिए फोर्थ आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट नहीं आने वाला है ठीक है इसलिए हमारा बेस्ट आंसर है वो सिक्योरिटी आंसर रहेगा यहाँ पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखो एक चीज समझना जैसे आप यहाँ पर शिवानी कंवर जी कह रहे हैं पूछ के नहीं लेकर आया बाइक देखो समझो सिक्योरिटी अगर आपने किसी को रखवा रखी है तो पूछा पूछी की बात नहीं होगी पेमेंट करने की बात होती है जब तक पेमेंट नहीं करोगे बिना जानकारी के लेकर आगे तो चोरी है जो कहलाएगा है ना चोरी वो वहां पर कहलाएगा ठीक है इस बात को आपको ध्यान रखना है नहीं सिक्योरिटी एक एग्जाम्पल है चिन्मय सिंह जी और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस केस में बेस्ट आंसर जो है वो सिक्योरिटी वाला बैठ रहा है ना इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछो कि सेकेंड आंसर क्या हो सकता है तो मेरा सेकंड आंसर ये होगा बेलमेंट एंड यूज सेकेंड आंसर फर्स्ट फर्स्ट आंसर 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 इसको दूंगा और ये बेलमेंट बेलमेंट एंड एंड यूज यूज लेकिन क्या है कि इन्होंने के साथ वर्ड लिख दिया ना इसका मामला गड़बड़ हो गया आपने बेलमेंट में कोई चीज दे रखी है और सामने वाले से बिना पूछे लेके आ रहे हो तो भी चोरी कहलाएगा वो ठीक है ये बात यहां पर आपके सामने आती चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे under ipc an attempt to commit देखो अच्छे से ऑब्जर्व करना इस सवाल को इस सवाल को भी बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व है जो करना है अटेंशन देखिए under ipc 1860 an attempt to commit offence is sometimes punishable बहुत ही शानदार सवाल है मतलब मन को दिल को खुश करने वाला सवाल है और जो अपना पढ़ने का तरीका है ना लिंकिंग करने वाला इस टाइप में से पूछा गया सवाल है तो app वालों सुन लो सॉरी 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 apo एपीओ वालों सुन लो ये आपका एग्जाम जो है उसमें लिंकिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी इस सवाल को देखो आप क्या लिखा है अंडर इंडियन पिनल कोड एन अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस क्या वर्ड आया अटेम्प्ट वर्ड आया टू कमिट ऑफेंस इज टाइम पनिशेबल विद द सेम पनिशमेंट विच हैज बिन प्रेस्क्राइब फॉर कमिटिंग द ऑफेंस मतलब जो मेन ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है वही पनिशमेंट अटेम्प्ट के लिए हो वही पनिशमेंट सेम पनिशमेंट किसके लिए हो अटेम्प्ट के लिए हो, हो। इनमें से ऐसे सेक्शन कौन से है इनमें से ऐसे सेक्शन कौन से है अब यहां पर सिर पे हाथ पकड़ने का मामला आता है कि यार ये क्या सवाल पूछ लिया आसान नहीं है वाह कौन है ये अश्विनी जी मौर्य जी अश्विनी जी बढ़िया गुलाब जामुन बादाम वाले भेजता हूं थोड़े खा लो पांच में कहा जा रहे हो यार पांच में आधी सजा मिलती है क्या मिलती है आधी सजा मिलती है तो आप दोनों को कनेक्ट क्या करोगे सवाल को समझ ही नहीं रहे हो समझो सवाल को सवाल क्या कहना चाह रहा है कि जहां पर अपराध करने की और अपराध का प्रयास करने की सेम पनिशमेंट है सेम पनिशमेंट है दोनों के लिए बराबर सजाएं वो कौन सा मामला बन रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है ये आपसे यहां पर जानने की कोशिश की जा रही है तो इस बात को समझो भाई सवाल किस लेवल का है किस बात का आ रहा है उसको ऑब्जर्व किए बिना ही जो है आप दिमाग लगा रहे हो इसमें आंसर क्या आएगा 388 और 389 बिल्कुल ये दोनों है जब आप इसकी भाषा पढ़ोगे ना तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि चाहे वो ऐसा एक्ट कर रहा है या इस तरह के एक्ट क्या अटेम्प्ट कर रहा है नंबर वन चीज ये तो यहां पर 388, 389, 397, 398 इन अपराध के अंदर बड़े ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहां पर एक्ट भी हो रहा है और एक तरीके से उसका मेन ऑफेंस भी हो रहा है बट ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा आपको बहुत ही इसको गहराई से पढ़ना पड़ेगा अगर आप में से कोई कैंडिडेट अच्छा बताओ आपको पता है लास्ट वैकेंसी इसकी 2015 के अंदर आई थी सात साल बाद सात साल बाद जो इसकी वैकेंसी आ रही है और आपको पता है सात साल में क्या क्या हो सकता है सात साल की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू सात साल के अंदर प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं सात साल के अंदर पार्डन वाले प्रोविजन जो है ना वो एप्लीकेबल हो जाते हैं सात साल की सजा ज्यादा वाले मामलों के अंदर सात साल के अंदर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है है ना सात साल के अंदर मेशेड आपको जेल में डाल सकता है साल के अंदर आपके ऊपर आपके डॉवरी डेथ के मामले या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाले मामले नहीं लगाए जा सकते हैं तो सात साल जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होता है उसी सात साल के बाद में आपकी वैकेंसी आएगी इस साल के एंड में समझ रख तो ये आप मान के चलना भैया बहुत काम का 2015 के बाद 2022 हजार बाईस नाउ यू हैव टू डिसाइड आपको किस तरीके से चीज को डील है जो करना है तो 388 389 390 रेगुलर तरीके से आपको तैयारी करनी है ध्यान रखना रेगुलर तरीके से तैयारी करनी है मैं आपको बता दूं अन अकेडमी के ऊपर हम लोग एपीओ का एपीपी का कोर्स नहीं चलाते और ये जो चीज सवाल आपको करा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों की डिमांड थी सर प्लीज एपीओ एपीओ का कुछ मामला डिस्कस करना है और इसीलिए आपके सामने ये चीज मैं लेकर आया हूं है ना और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप इस चीज़ को वाकई में अच्छे तरीके से देखोगे अप्लाई करोगे हाँ अगर जरूरत पड़ी जरूरत पड़ी और आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया अगर आपको लगता है कि एपीओ का मामला अन अकेडमी के लिंकिंग लॉ पर चलना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना अभी नहीं जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद उसके कमेंट्स में दिखाना अभी तो लाइव चैट लाइव चैट नहीं देख पाते आप क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा ठीक है तो मेन ऑफिस अंडर विच सेक्शन इट हैज प्रोवाइडेड तो आपका आंसर होगा 388 लेकिन ये चीज कवर करने के लिए आपको रेगुलर तरीके से चीजों को डील करना पड़ेगा बिना रेगुलर तरीके से अटेंड के मामला सेट नहीं होगा ओके चलिए सर आरजीएस की भी 2023 फर्स्ट और 2022 के एंड तक की पक्का है वैकेंसी अच्छा पक्का है तो फिर हम कितने की शर्त लगा ये पक्का कच्चा मत किया अगर अपने हाथ में कुछ भी नहीं है शिवानी जी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है लेट इट बी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर आईपीसी रिलेट विद माइंड रेपुटेशन बॉडी प्रॉपर्टी एक अपराध जो चारों चीजों से कनेक्ट हो सकता है खैर यह सवाल तो कई बार रिपीट भी है कोई बड़ी बात नहीं है चीटिंग वाला जो अपराध होता है ना आपके जो 415 से लेकर 420 तक के ऑफेंस के अंदर लिस्ट दे रखा है चैप्टर 17 बॉडी प्रॉपर्टी के विरुद्ध होने वाला ये अपराध है वहां पर क्या हो सकता है माइंड रेपुटेशन बॉडी और प्रॉपर्टी चारों चीजों को क्या किया जा सकता है कनेक्ट है जो किया जा सकता है चारों चीजों को कनेक्ट है जो किया जा सकता है ये ध्यान रखने का तो यहाँ पर ये मामला आपके केस में आता है वैसे मैं यहाँ पर एक लिंकिंग और जोड़ूंगा सेक्शन फोर्टी फोर की सेक्शन 44 आपको सेक्शन 44 पता होगा आपके बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी चार तरीके की इंजरी होती है लगभग लगभग पूरे आईपीसी को अगर आप लालटेन लेके भी ढूंढोगे ना तो आपको जनरली ऐसा कोई अपराध नहीं मिलेगा जहां पर चारों तरह की इंजरी एक साथ कहीं पे कनेक्ट हो रही हो तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है कैसा है चीटिंग वाला मामला एक एक्सेप्शनल केस है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक है वहां पर ऐसा ये चीज हो सकता है चलो भाई आगे बढ़े यहाँ पर तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या होता है एक रिलेवेंट क्राइटेरिया है जो क्या करता है क्रिएट है जो करता है नाउ अब आपको एक चीज में और बता दूं अगला सवाल देखो एक कट डाउन द ट्री ए ने क्या कर दिया एक पेड़ है जो काट दिया बी की जमीन में से और उसका इंटेंशन था उसको लेके जाने का अब ये सवाल सीधा कहां से आया पता है हमारे इंडियन पीनल कोड के

है ना और बाकी की चीजें हमारे लिए बहुत मायने रखती है चलिए आगे बढ़ते हैं ए एंड बी एग्री टू कमिट द थेफ्ट ए और बी जो हैं वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी के घर में क्या करेंगे चोरी करेंगे ठीक अच्छा बट नो थेफ्ट वाज एक्चुअली कमिटेड लेकिन एक्चुअली में कोई थेफ्ट कमिट हुआ ही नहीं दे हैव कमिटेड द ऑफेंस सो तो उन्होंने कौन सा अपराध किया है उन्होंने यहां पर कौन सा अपराध किया देखो जब आप आंसर देते हो ना तो थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ अपने आंसर में इस तरीके से लिखा करो 14 का आप आंसर दे रहे हो तो 14 का वन दे रहे हो 14 का टू दे रहे हो क्योंकि आपका जो इंटरनेट है ना वो कई बार थोड़ा स्लो पहुंचता है हम पहुंच रहे हो हम बात कर रहे होते हैं सिक्सटीन वाले क्वेश्चन की और आपका जवाब आता है फोर्टीन वाले सवालों का है ना अब सोचो अगर ऐसा मामला अगर आपके वो जो पंडित जी पूछते हैं कि कबूल है कबूल है कबूल है तो उन्होंने कुछ और पूछा और आपका कबूल 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 लेटर बाद में आ गया तो फिर आपसे पूछा गया कि किसी तरह का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है आपने पहला आपका पहले वाला जवाब बाद में आया हाँ कबूल है, कबूल है कबूल है कबूल है तो आपका वर्तमान वाला चक्कर डिस्कनेक्ट हो जाएगा समझ रहे हो तो थोड़ा ऐसे लिख लिया करो ओके तो यहां पर अपराध क्या होगा ध्यान से समझ लो यहां पर अपराध की बात आपके की जाएगी सेक्शन वन ए के बारे में सेक्शन वन ए के संबंध में क्या होगा क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी का जो अपराध होता है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई टू और मोर पर्सन टू और मोर पर्सन जो है एग्रीमेंट करते हैं इस बात का कि उनको कोई भी इीगल एक्ट करना है या कोई भी एक्ट जो अपने आप में लीगल है लेकिन उसको इलीगल तरीके से करना है ठीक है तो यह बात वहां पर हमारे सामने आ जाती है इस बात को हमें क्या करना है ध्यान है जो रखना है ठीक है चलो तो यह क्या आ जाएगा आपके अपराध किसका कहलाएगा क्रिमिनल कॉन्सपेरे का अपराध कहलाएगा अब मजेदार बात सुनो क्रिमिनल कॉन्सपेरे का अपराध दो कैटेगरी का होता है पहली कैटेगरी अगर आप ऑफेंस करने वाली बात कर रहे हो तो दूसरी कैटेगरी अगर आप इलीगल एक्ट कर रहे हो आप एक चीज सुनो समझो अगर ये आपने नहीं किया तो फिर एग्जाम में झिंगा लाला एग्जामिनर करेगा आप नहीं कर पाओगे ये जो आपका वन ट्वेंटी ए है ना अगर इसके अंदर की बात को समझना है आपको तो आपको अपना लिंक लिंक विद करना पड़ेगा किसके साथ में सेक्शन फोर्टी थ्री के साथ में अगर आपने इसको लिंक विद नहीं किया तो मान के चलो आप गड़बड़ कर रहे हो मान के चलो आप क्या कर रहे हो वहां पर गड़बड़ कर रहे हो कैसे क्योंकि इलीगल के बारे में आपके सामने तीन शब्दावली आती है एक वर्ड आता है ऑफेंस एक आपका आता है एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एक आता है, आता है ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन ये तीन चीजें वहां पर आती है मैं लिख लेता हूं यहां पर पहला वर्ड कौन सा है आपके सामने कि आप ऑफेंस करना चाहते हो दूसरा वर्ड आप कोई प्रोहिबिटेड एक्ट करना चाहते हो ध्यान से सुनना एक लॉजिक बता रहा हूं प्रोहिबिटेड एक्ट करना चाहते हो या फिर आप जो है किसी सिविल एक्शन का ग्राउंड क्रिएट करना चाहते हो सिविल एक्शन का ग्राउंड अब ये जो आपका मामला है ना क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी का ये दो तरीके से डील करता है पहला इसका तरीका है वो बात करता है इसके संबंध सिर्फ ऑफेंस के बारे में ठीक है और दूसरा इसका तरीका है जो इन दोनों के बारे में बात करता है इन दोनों में अंतर क्या है पहले वाले केस के अंदर अगर एक्ट नहीं भी हुआ है एक्ट हुआ है नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे वाले केस में अगर एक्ट नहीं हुआ है ना तो कोई पनिशमेंट नहीं होती है ये क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और ये तब समझ में आता है जब हम लिंक विद करते हैं किसको 43 को 120 ए से अदरवाइज वो चीज पिक्चर में समझ में नहीं आएगी दैट्स मैटर ओके खैर तो यहां पर आंसर क्या होगा क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी होगा लेकिन इसके साथ में स्टेन क्या अपराध करना चाह रहा था थेप्ट करना चाह रहा था

जो क्या करता है जानबूझ के मिस्रोप बेईमानी से मिसप्रोपियट करता है किसी प्रॉपर्टी को ठीक है आगे देखो वो अब यहां पर क्या मिसिंग है कोई बताएगा मुझे यहां पर क्या मिसिंग है पहला आंसर क्यों नहीं है बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट फड़ बताओ यहां पर कौन सा एक पॉइंट मिसिंग है जिसके कारण पहला आंसर जो है वो नहीं हो सकता बताइए अलका जी रिंकी जी रोशन जी बताओ इसमें पहला वो कौन सा पॉइंट है जो मिसिंग है इसके कारण पहला आंसर नहीं होगा वो शब्द है एंट्रस्टमेंट क्या एंट्रस्टमेंट या डोमिनियन ऑफ प्रॉपर्टी दो वर्ड है ना जो 405 में होने चाहिए वो वर्ड यहां पर नहीं है इसके कारण क्या नहीं हो सकता ये वाला मामला जो है नहीं हो सकता आप सिंपली मिस एप्रोपेट कर रहे हो लेकिन जिस प्रॉपर्टी का मिस एप्रोपेशन कर रहे हो वो आपके लिए क्या नहीं है एंट्रस्ट नहीं है दूसरा पॉइंट इसके दो ऑप्शन और है जल्दबाजी मत करना डोमियन ऑफ द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली कन्वर्ट इट एज इज प्रॉपर्टी इज गिली ओफ तो यहां पर इंटरेस्टमेंट भी कर रहे हो आप साथ साथ में क्या कर रहे हो प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली कन्वर्ट भी कर रहे हो तो आंसर विल बी दर्ड वन तीसरा आंसर मतलब क्या होता है ऑफेंस के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है ठीक है तो यहां पर फिफ्टीन का जो आंसर है ना 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 ना, ना, ना ममता जी ध्यान रखो ध्यान रखो हाँ सर मैंने मैसेज डिलीट कर दिया मैसेज रिट्रैक्टेड लिखा आ रहा दिख रहा है आपको रिट्रैक्टेड एक रिट्रैक्टेड कन्फेशन भी होती है वो भी एविडेंस उससे भी लिंक कर लो तो जब भी आप चैट डिलीट करते हो ना तो आपके माइंड में रिट्रैक्टेड कन्फेशन हॉस्टाइल विटनेस ऐसे कॉन्सेप्ट लिंक होने चाहिए ओके चलो भाई अगला सवाल हमारे सामने अब देखो ए ने देखा कि बी डूब रहा है ए ने देखा बी डूब रहा है एंड डज नॉट मरने दो यार उसको अपने को क्या उसने उसको नहीं बचाया उसने उसको नहीं बचाया तो उसने कौन सा अपराध किया यहां पर सर थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन का केवल जी थोड़ा रुको थोड़ा धैर्य रखो मैंने बताया आपके पास क्या है कि ये इंटरनेट थोड़ा हौले हौले पहुंच रहा है है ना हौले हौले पहुंच रहा है तो चिंता मत करो तो यहां पर क्या है ए ने बी को डूबते हुए देखा लेकिन उसको नहीं बचाया तो भैया अगर आप पुण्य का काम नहीं करते हो तो कोई अपराध नहीं है अगर आपने किसी को नहीं बचाया तो कोई अपराध नहीं होगा खैर ये तो बेसिक सवाल है ये सबको पता है इसलिए यहाँ पर हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे एक आदमी कहता है भैया खाना खिला दो भूखा हूं दस दिन से खाना नहीं खाया आपके पास में ब्रेड बटर पड़ा है आपके पास में समोसा पड़ा है लेकिन आपने उसको नहीं खिलाया वो मर गया

इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू बी उसने वो पॉइजन खुद ही ले लिया खुद ही कंज्यूम है जो कर लिया तो अब यहाँ पर क्या होगा अगर वो मर गया है तो पागल व्यक्ति को जहर दिया किसी और को देने के लिए पागल व्यक्ति ने खुद ने खा लिया अब यहाँ पर क्या होगा सर क्लास का टाइमिंग क्या है क्लास का टाइमिंग जानने के लिए यूट्यूब की क्लास तो भैया हमारी शाम को आठ बजे होती है आपको ध्यान रखना पड़ेगा आठ बजे यूट्यूब की क्लास रहेगी उसके बाद वापस जो है हम लोग मध्य रात्रि के भूत पिचास हैं तो रात को दस बजे हम लोग क्या करेंगे स्पेशल क्लास करेंगे जिसमें बहुत ही गंभीर मामले को डिस्कशन करेंगे और कोई जानकारी चाहिए तो हम दूरदर्शन में भिजवा देते हैं पहले यहाँ पर फोकस कर लो हाई अगर वो खाना खा के अगर वो खाना खा के मर गया तो मर्डर होगा रघुनंद जी उस भूखे वाले ये क्या आपके मैसेज लेट आ रहा है ना आपके कमेंट्स जो हैं वो थोड़े से लेट आ रहे हैं या फिर हो सकता है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर क्या वो डायलॉग डिलीवरी थोड़ी सी लेट सेट हो रही है हाँ जी चलो अब और इससे ज़्यादा तो फास्ट कुछ कर नहीं सकते बताओ भाई इसका आंसर बताओ इस सवाल का आंसर ये होगा कि आपने जो है अबेट किया है मौत को आपने क्या किया है अबेट वहाँ पर है जो किया है तो आंसर क्या होगा इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट आप क्या सोच के आते कि पागल व्यक्ति ने खा लिया है तो अपने का क्या कसूर है ना हमने तो उसको कहा था उसको जाके मारना है नहीं यहां पर आपका कसूर है ठीक है इस बात को आपको ध्यान रखना होगा चलिए तो आंसर क्या है इज गिल्टी ऑफ द अबेटमेंट एक क्या होगा अबेटमेंट की गिल्टी होगा हाँ आप उसको मर्डर के लिए लायबल नहीं ठहराओगे लेकिन वो के लिए लायबल है जो होगा आपको पता है थ्री जीरो सवाल जो है ना ये लिंक विथ करना पड़ता है ये लिंक विथ करना पड़ता है किसको थ्री जीरो वन को ठीक है अब हुआ क्या कि आपने जो है अपनी सुंदर प्रेमिका को किसी और के साथ में बातचीत करते हुए देखा आपने तुरंत तलवार निकाली आपने कहा कि आज तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं किसको प्रेमिका को नहीं उसके साथ में जो बातचीत कर रहा है उसको अब आपने अपनी तलवार निकाली और दे धा एकदम बुट क्या बोलते हैं उसको बाजीराव की तरह तलवार चला दी अब वो तो हट गया और वो तलवार जाके आपकी प्रेमिका वो लग गई क्या हो गया ट्रांसफर ऑफ मेलिस हो गया आप क्या बच जाओगे ना आप नहीं बचोगे आपको क्या मिलेगी उसकी बराबर सजा मिलेगी सेम चीज यहां पर आ रही है तो लिंक विद द विद्री जीरो मारना किसी और को चाह रहे थे मर आप व्यक्ति वर्ग तो बात तो वो की वो है ठीक है अगला पॉइंट हमारे सामने अंडर सेक्शन टू ऑफ इंडियन पीनल कोड द कनेक्शन बिटवीन द एक्ट एंड डेथ कॉज मस्ट बी जो कनेक्शन है एक्ट का और डेथ का वो कनेक्शन कैसा होना चाहिए डायरेक्ट होना चाहिए इनडायरेक्ट होना चाहिए कैसा होना चाहिए गुजरात सिविल जज में किसने फॉर्म भरा है क्यों कुछ वापिस आप डिस्काउंट करवा रहे हो आर के एजुकेशन जी डिस्काउंट करा रहे हो तो पंद्रह बीस एंट्रिया मैं भी भेज देता हूं है जी चलो आप यहां पर फोकस कीजिए क्या होगा इस केस के अंदर कि आपके एक्ट और डेथ में कनेक्शन हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए ये जो भी आपके कल्पेबल होमिसाइड के मामले हैं ना उसमें जिस व्यक्ति की डेथ हुई है और जिस एक्ट के कारण हुई उसमें डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए कैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जैसे देखो सपोज करो एक व्यक्ति ने क्या किया एक फटाका फोड़ा कौन सा कौन सा बम आता है वो सूतली बम फोड़ दिया ठीक है सूतली बम फोड़ा तो अचानक क्या है कार वाले ने हॉर्न बजाया कार वाले ने हॉर्न बजाया तो पड़ोस में जो हॉस्पिटल था उसमें नर्स के हाथ में एक बच्चा था वो बच्चा नीचे गिर गया और वो बच्चा मर गया तो मुझे बताओ क्या आप उस सूतली बम फोड़ने वाले के ऊपर मर्डर का चार्ज चला सकते हो कि उसने बच्चे को मार दिया चला सकते हो नहीं ना क्यों नहीं चला सकते क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसलिए क्या होना चाहिए डायरेक्ट कनेक्शन जो वहां पर होना चाहिए ठीक है ओके जी चलो भाई संदीप कुमार जी का आंसर यहाँ पर बराबर सही था और भी कई कैंडिडेट्स का था सेक्शुअल इंटरकोर्स मैन विद इज आउन वाइफ इज रेप अगर वो वाइफ क्या हो अब आईपीसी में तो लिखा हुआ है पंद्रह साल लेकिन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये जजमेंट आ रखा है जिसके तहत पंद्रह साल की एज को बढ़ाकर अठारह साल है जो किया गया है तो यहां पर आप इसको नाम नोट कर लीजिए इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस आप लोग देख लीजिएगा इसमें पंद्रह साल की एज को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है तो उस समय तो आंसर भले ही आपका फोर होगा लेकिन अभी करेक्ट आंसर होगा वो एटीन होगा अच्छा एक चीज और हम लोग प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं ना तो थोड़ा ये जरूर ध्यान रखना कि अमेंडमेंट अमेंडमेंट को अच्छे से दिमाग में रखना है अमेंडमेंट को अच्छे से दिमाग में रखना है क्योंकि हम क्या करते हैं साथ साथ आंसर की भी निकाल देते हैं आंसर की निकाल के चेक करते हैं अरे भाई आंसर की उस जमाने में सही थी उस टाइम पे सही थी अभी जो है वो सही नहीं है ये आपको ध्यान रखना है नहीं सर सबकी प्रिपरेशन कैसी है ये जानना है अच्छा अच्छा सबकी प्रिपरेशन कैसी है बहुत बढ़िया कोई साथ नहीं आएगा आर के एजुकेशन जी खुद की रोटी खुद ही सेक के खानी पड़ेगी उल्टा दूसरों की प्रिपरेशन जानोगे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आएगा अरे यार वो इतना पढ़ लिया वो इतना पढ़ लिया चलो द ऑफेंस ऑफ ट्रेस पास इसका आंसर बताओ भाई द ऑफेंस ऑफ ट्रेस पास अंडर आई पी सी एटीन सिक्सटी ऑफेंस अगेंस्ट ये ट्रेस पास वाला अपराध है ट्रेसपास अपराध बोले तो आपके चैप्टर 17 के अंदर सेक्शन 441 से लेकर 462 तक अतिचार करना क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास लर्किंग हाउस ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग हाउस ब्रेकिंग बाय लाइट नर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट ये जितने भी अपराध हैं वो अपराध किससे संबंधित है उसके लिए क्या जरूरी है प्रॉपर्टी की ऑनरशिप जरूरी है या प्रॉपर्टी का पोजेशन जरूरी है फटाफट बताइए प्रॉपर्टी की ऑनरशिप जरूरी है या प्रॉपर्टी का क्या जरूरी है पजेशन बताओ ओके okay, ट्वेंटी का भी वेरी गुड शाबाश जीते रहो मतलब मन खुश किया गया आपने सही आंसर देखे सीधा सा आंसर है ध्यान रखना पजेशन मायने रखता है पजेशन कब्जा मायने रखता है चलो ओके okay. अब यहाँ पर पता है कई कैंडिडेट एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं वो कहते हैं यार जब ट्रेस पास होता है ना तो प्राइवेसी इमपीच होती है कई बार हमारे एग्जाम के अंदर एक चीज़ आप एग्री करो तो मुझे बताना कई बार हमारे एग्जाम के अंदर ये जो हमारा खुरापाती माइंड है ना ये हमारे गड़बड़ी करवा देता है मतलब ऑप्शन पढ़ते हैं अब ऑप्शन कहता है कि यार इसके अंदर है ना पोजिशन तो ठीक है लेकिन एग्जामिनर कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहता है मुझसे मुझसे कुछ एक्स्ट्रा जाना है हम इस पर भी दिमाग लगाते हैं कि यार प्राइवेसी है हाँ प्राइवेसी भी तो इम्पीच करता है तो जब कोई इंसान किसी की प्राइवेसी इम्पीच कर रहा है तो वो भी तो ट्रेस पास है इसीलिए आंसर इसका फोर्थ में टिक करके आता हूँ सभी को बाकी बाकी सब लोगों को नहीं पता है मेरे माइंड को पता है खोटा हो जाता है आंसर वहाँ पे ये ध्यान रखो है ना इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है तो जिन किनिक का फोर्थ आंसर आया है थोड़ा ध्यान रखना हमें खुराबाती माइंड को कंट्रोल में रखना है हाँ डिस्कस कर दीजिए एक बार संदीप जी जब बात यहाँ पर चल रही है सुबह का नाश्ता करने की आप कह रहे हो सर शाम को सोने के लिए रजाई वजाई दे दो सर ठंड लग जाएगी अरे भाई ध्यान रखो है कहाँ का पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो एवरी डॉक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन थ्री जीरो फोर एफ आई पी सी फॉर डेथ ऑफ पर्सन ड्यू टू इज नेग्लिजेंट ऑपरेशन अनलेस इंटेंशन इज कल्पेबल अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी डॉक्टर जो है हर एक डॉक्टर को आप तीन सौ चार है तीन सौ चार डेथ बाई नेग्लिजेंसी के अंदर क्या नहीं करोगे आप जो है उसको पनिश जो है नहीं करोगे ओके okay? जब तक ये नहीं पता चलता कि उसने उसकी वाकई में उसकी लापरवाही के कारण डेथ है जो हो गई है ये बात कहाँ कही गई है ध्यान से सुन लो ये बात जो कहा गया है ज्ञान सुंदर सर्वेश्वर ये बात आया था जैकब मैथ्यू के केस में 2005 का 5 का मामला था जैकब मैथ्यू के केस में ये वाला मामला है जो डिस्कस हुआ था देखो हमेशा ना ये क्रिस्पी पॉइंट होता है मैं आपको एक तरीका बताऊँ क्या सुन लो आपका मन खुश हो जाएगा आपके आसपास जितने भी एग्जाम होते हैं भारत देश में बहुत सारे स्टेट है जो जुडिशरी एग्जाम को क्या कराते हैं कंडक्ट है जो कराते हैं तो आपके आसपास जितने भी जुडिशरी ए के एग्जाम होते हैं ना उनके अंदर पूछे के लैंडमार्क जजमेंट को स्पेशल अटेंशन दिया करो स्पेशल अटेंशन जो है ज़रूर दिया करो क्यों क्योंकि उससे क्या होगा आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा सवाल इस तरीके से रहा है खैर तो यहां पर एक लाइन से हमको पता चल गया कि पूछना क्या जा रहा है जैकब मैथ्यू तीन सौ चार एक के साथ में जाके इस केस को लिंक विद कर दो अभी सिर्फ यहां पे देखा है और सोचोगे कि हम इसको याद रख लेंगे ऐसा होगा नहीं है ना आप थ्री डेट मूवी के वो क्या कहते हैं उसको चतुर नहीं हो और चतुर हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम यहां पे जैकअप लिखा हुआ है वहां पर कुछ पैकअप लिख के आ जाओगे गड़बड़ हो जाएगा ध्यान रखना इसलिए अभी वहां पर जाके लिख लो तीन सौ चार एक के पास में जाके लिख लो ताकि ये पॉइंट आपको ध्यान में रह जाए ठीक है हमें अपने दिमाग पर भरोसा है लेकिन लिखने से वो चीज वापस आप रिपीट कर पाओगे ये भी थोड़ा दिमाग में रखोगे अच्छा ए विद इंटोर्शन इट्स नॉट इंटोर्शन इट इंटेंशन है ना ए का यहाँ पर क्या है क्या वर्ड आएगा इंटेंशन की बात है जो कही जा रही है ए विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बी वो इज बिलो ईयर यह सवाल बहुत ही धाकड़ है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप में से 70% परसेंट कैंडिडेट इस सवाल का गलत जवाब देंगे इस सवाल का गलत जवाब है जो देने वाले कितने आप में से परसेंट कैंडिडेट्स। यकीन नहीं है तो आंसर देख लो मैं आपके लिए टाइम कैलकुलेट करता हूँ आपका समय शुरू होता है अभी मैंने घड़ी पहन रखी है आप लोगों को दिखेगी नहीं है ना इनविजिबल घड़ी है चलो इसका आंसर दो फटाफट हमारा पिकअप हो जाएगा वरना पिकअप <laughs> चलो ठीक है किसी का कोई पिकअप नहीं होगा इसका आंसर दो भाई बहुत ही शानदार सवाल है ए का इंटेंशन था द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बी वो इज बिलो डेजर्ट प्लेस हेयर ए विल बी लाइबल अंडर विच सेक्शन आंसर दीजिए इसका सिक्सटी टू का हारी यहां पर देख पा रहा हूं मैं सिक्सटी टू का आंसर जो है सागर जी हैं सीता नायक जी हैं भोला जी हैं विशाल जी हैं आ, रितिका शर्मा जी हैं ठीक है ठीक है, है ओके 317 317 317 सौ जो हैं पूनम पांडे जी इन्होंने तो 304 सौ चार कल्पेबल होमिसाइड में चले गए ओके आ, एक आंसर किसी ने जो है 307 भी दिया था ठीक है रितिका शर्मा जी 317 317 चलो भाई कुल मिला के सबका आंसर 317 ज़्यादा है हेमंत कुमार जी को मैं देख पा रहा हूँ उनका आंसर अलग है चलो ठीक है ओके, ओके 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 चलो अब मैं आप सब लोगों को है ना सामूहिक बधाई देता हूं सामूहिक बधाई काश मेरे हाथ में गुलाब जामुन होते ना तो फैक फेंक के मारता फैक फेंक के मारता बदमाश प्राणियों खोटा जवाब है आंसर ये ये क्या है खोटा आंसर दिया है अब कहना मत आपका एक नंबर बचाया है मैंने एक नंबर बोलो तो एक गुलाब जामुन जज बनते ही या आप एपीपी बन, एपीपी बनते ही ना आना चाहिए निकालो तो तीन अब आपको एक पॉइंट बताता हूं फिर कहते हो सर हम तो अच्छी तैयारी करते हैं काहे की तैयारी कर दो निकालो तीन सौ सत्रह कानून है कानून की लाइन है ना बैंड बजा देती है तीन सौ सत्रह निकालो अभी आपको बताता हूं मैं तो सेवेंटी परसेंट कह रहा था यहां तो नाइन फाइव परसेंट का आंसर तीन सौ सत्रह है जरा देखो जरा तीन सौ सत्रह को एक बार आईपीसी का एक्ट है पड़ोसी को दे रखा है अब इसको पढ़ो तीन सो सत्रह को क्या लिखा हुआ है तीन सौ सत्रह में जहां पर इंटेंशन वर्ड आता है वहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि इंटेंशन ऑफ होली अबेंडनिंग सच चाइल्ड 317 में तीन क्या चाहिए कि आप अबेंडन कर रहे हो ये आपका इंटेंशन है 317 की पांचवी लाइन पढ़ लो इंटेंशन ऑफ होली अबेंडनिंग सच चाइल्ड अब मुझे बताओ जब आपको मैं ये कहूं कि आपका इंटेंशन जो है होली अबेंडन करना है क्या करना है होली अबेंडन मतलब उसका पूर्ण रूप से त्याग करना है ठीक है और एक आपका इंटेंशन होता है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इन दोनों में अंतर है ही नहीं एक तो होता है पत्नी से पीछा छुड़ाना और एक होता है पत्नी को मारना अंतर नहीं है दोनों में बहुत अंतर है बहुत सारा अंतर है है ना तो मामला पूरा का पूरा खोटा हो गया है और आंसर सही क्या है इसका इसका आंसर सही है तीन सौ सात Attempt to murder, जो आप में से बड़ी मुश्किल से पांच परसेंट कैंडिडेट ने दिया है इसलिए भैया तूने बहुत बड़ी गलती की है कि क्लास अटेंड करनी चाहिए ये सवाल ऐसे ही थोड़ा ना आप एक लेवल है इन सवालों का अब ऐसे सभी ऐसे हाथ पे रखो मेरे को इमोजी दिखाओ कमेंट बॉक्स में फटाफट ऐसे हाथ रखो कहते ना हे राम क्या कर दिया ऐसे करो एक बार अरे ध्यान रखो सारा खेल इसी बात का है यहां पर सारा खेल देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि भाई में स्रिया, में स्रिया प्लस एक्टर मिलके अपराध बनता है तो ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेन श्रिया कौन सी है और एक्टेस रियस कौन सा है मेनसरिया कौन सी है और एक्टेस रियस कौन सा है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है बहुत ही सीरियस मामला है मजाक नहीं है एग्जाम के अंदर नंबर सीधा कटेगा और बोलेगा जाओ भाई घर पर कोई बात नहीं। आगे से ध्यान रखना यहां पर इंटेंशन जो है डेथ कॉज करने का है और जबकि 317 में इंटेंशन जो चाहिए ना वो चाहिए होली अबेंडन करने का क्या होली अबेंडन करने का दोनों में अंतर है इसलिए इसका आंसर जो क्या होगा वो 307 होगा ना कि ये हाँ चलो भाई बस बस ठीक है अब हाथ रख लिया एग्जाम में ध्यान रखना वहां हाथ नहीं रखना पड़ जाए अब ये देखो एक और प्यारा खूबसूरत सवाल देखिए दावे के साथ कह रहा हूं इतनी खूबसूरती तो आपको चौदह फरवरी को नहीं दिखेगी जितनी खूबसूरती आपको इन सवालों के अंदर दिख रही होगी देखिए क्या लिखा हुआ है ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑफेंस एंड आपके और अपहरण ये दो अपराध हैं नाम तो आपने सुना ही होगा है ना किडनैपिंग और एडक्शन अंडर आईपीसी तो इनमें से कौन सा मामला जो है वो करेक्ट है कौन सा मामला जो है क्या है करेक्ट है उस पॉइंट को देखो आप यहां पे उस पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व है जो कीजिए देखिये क्या लिखा हुआ यहां पर यहां पर आपके सामने आ रहा है देर कैन नॉट बी एबडक्शन ऑफ एबडक्टेड पर्सन एक व्यक्ति को आपने एबडक्ट कर दिया तो उसका वापिस आप एबडक्शन नहीं कर सकते क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरा देर कैन बी किडनेपिंग ऑफ एबडक्टेड पर्सन एक व्यक्ति को आपने एबडक्ट किया तो उसके बाद में आप किडनेपिंग नहीं कर सकते तीसरा देर कैन नॉट बी किडनेपिंग ऑफ अ किडनैप पर्सन या चौथा देअर कैन नॉट बी किडनेप देर कैन नॉट बी एबडक्शन ऑफ किडनैप पर्सन एक तो सवाल ही आपको कंफ्यूज कर देगा किडनैपिंग किडनेपिंगशन एपडक्शन किडनैपिंग एपडक्शन किडनेपिंग किडनैपिंग किडनैपिंग ये वर्ड आते आते ही आप लोग आते परेशान हो जाओगे बट सही आंसर देना जरूरी है सही आंसर यहाँ पर देना बहुत जरूरी है बताओ भाई क्या आंसर होगा मैं ही बता देता हूँ ध्यान रखना किडनेप्ड पर्सन की वापस कभी किडनेपिंग नहीं होती है किडनेप्ड पर्सन की ये फिर से खोटे आंसर दे आ रहे हो ना किडनेपिंग पर्सन अरे भाई गलत है सुनो किडनेपिंग हमेशा कहाँ होती है इसने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है करेक्ट आंसर आपसे जानना चाह रहा है तो जब आप किसी आपने किसी इंसान को एबडक्ट कर दिया तो उसकी लॉफुल गार्जियनशिप तो खत्म हो गई और किडनेपिंग कहाँ से होती है किडनेपिंग होती है लॉफुल गार्जियनशिप से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भूल गए ना किडनेपिंग फ्रॉम इंडिया या किडनेपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप तो जब एक बार आपने किसी इंसान को एबडक्ट कर लिया अपहरण कर लिया तो लॉफुल गार्जियनशिप तो खत्म हो गई ना या फिर एक बार आपने क्या कर दिया किसी को किडनैप कर दिया तो वहां पर क्या करोगे देर कैन नॉट बी किडनेपिंग ऑफ अ किडनैप पर्सन है ना किडनैप पर्सन का वापस किडनेपिंग नहीं हो सकता क्योंकि किडनेपिंग लॉफुल गार्जियनशिप से होती है अंदर का माल मसाला नहीं भी पड़ोगे तो हेडिंग से भी पता चल जाएगा गड़बड़ कहाँ पर हुई है ध्यान रखो बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है ये पड़ी हुई चीजें हम खोटी करके आते हैं पढ़ी हुई चीजें खोटी के कहते हैं फिर बोलते हैं कि ऐसा ही पेपर सेट करते हैं वैसा ही पेपर करते हैं ना किसी का दोष नहीं है अपना ही दोष है ध्यान रखो इस बात को ओके okay? कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं कनिष्का जी कंफ्यूज होने की बात नहीं है मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि भाई अगर आप किसी इंसान को किडनैप करते हो तो किडनैप दो में से या तो इंडिया से किडनैप करते हो या फिर आप लॉफुल गार्जियनशिप से विधिक संरक्षण से उसको क्या करते हो विपरण करते हो बराबर तो अब इसको हम क्या करते हैं हमेशा कंपेयर करते हैं एबडक्शन से इसको हमेशा क्या, क्या किया जाता है एग्जाम में सवाल भी आता है ना कि डिफरेंस लिखो तो डिफरेंस हम इसका और इसका लिखते हैं ये वाली किडनैपिंग का और इस वाले एबडक्शन का इसका डिफरेंस है जो लिखा जाता है तो आपने जिस पर्सन को एक बार किडनैप कर दिया इसका मतलब जैसे मान लो एक्स आया और ये वाई जो है वो लॉफुल गार्जियनशिप है एक्स ने जेड को किडनैप कर दिया एक्स ने जेड को किडनेप कर दिया वाई की लॉफुल गार्जियनशिप से अब जेड किसके पास है एक्स के पास है तो अब एक्स ने इसको किडनेप किया तो ये क्या इसका लॉफुल गार्जियन बन गया क्या नहीं ना तो अगर कोई व्यक्ति जेड को वापस किडनेप करता है तो क्या उसको अपन कहेंगे नहीं कह सकते क्योंकि एक्स इज नॉट द एक्स इज नॉट द लॉफुल गार्जियन टन टना टन 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 टारा वो हो जाएगा बैंड एग्जाम के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा यहां पे बहुत ही क्रोशियल चीजें होती हैं फिर से कह रहा हूं एपीओ का एग्जाम हल्के में मत लेना प्रॉपर तैयारी करोगे तब जाके इन सवालों को क्लैश कर पाओगे बहुत जरूरी है वो चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहां पर इस सवाल में नाउ वर्ड लिखा हुआ है नाउ द आइडेंटिफिकेशन पेरियड ऑफ अरेस्टेड पर्सन मे बी कंडक्टेड अंडर एक्चुअल में क्या दो का अमेंडमेंट आया था जो कि दो के अंदर प्रभावी हुआ था ठीक है आप समझो इस बात को यहां पर क्या है कि नाउ द आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ अरेस्टेड पर्सन मे बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 954 ए 157 9 आंसर दो तो फटाफट आंसर दीजिए फटाफट आंसर दीजिए मैं फिर से कह रहा हूं 50% स्टूडेंट इस बार भी खोटे आंसर देंगे आ जाइए जरा बताओ भाई 50% स्टूडेंट के आंसर फिर से खोटे होंगे हाँ जी यकीन नहीं हो रहा अभी यकीन दिलाते हैं आप कमेंट बॉक्स में नजर गाड़ा के रखो आंसर दो जी 24 का आंसर क्या होगा 24 का आंसर जो है क्या होगा 24 का आप में से कैंडिडेट कह रहे हैं अंडर सेक्शन 9 ऑफ दिन सेवन टू विथ वन फिफ्टी किसके बारे में आता है राजा बाबू जी हम्म पूनम पांडे जी कह रहे थे सेक्शन टू ओके ऑप्शन टू बाकी कैंडिडेट्स का आंसर वन आ रहा है किसी का वन आ रहा है अब ध्यान से सुन लो जिन्होंने अलग अलग आंसर दिए हैं है भाई वन भाई 157 में कौन सी आइडेंटिफिकेशन पैरियड करवाते हो वन 157 का तो कोई इसमें लेना देना ही नहीं होता है आपको कंफ्यूजन हो सकता है नाइन और इसके अंदर हो सेक्शन नाइन इंडियन एविडेंस एक्ट और 54 ए के अंदर सीआरपीसी ध्यान रखना सेक्शन नाइन इंडियन एविडेंस एक्ट टीआईपी के तहत आइडेंटिटी को रिलेट क्या कराता है अपने आप में रिलेवेंट करवाता है क्या कराता है रिलेवेंट करवाता है ठीक है वहां पर बेसिकली टीआईपी होती नहीं है वो टीआईपी के तहत आइडेंटिटी जो डिस्क्लोज हो रही है इसको रिलेवेंट बताता है मेनली जो पार्ट है वो तो आपके फिफ्टी ए में आएगा सेक्शन फिफ्टी ए के अंदर मामला आपके सामने आता है तो आंसर क्या होगा यहां पर ट्वेंटी का आंसर है जो सेकंड होगा ट्वेंटी का आंसर सेकेंड यहां पर रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले पॉइंट पे आ जाओ एक हैबिचुअल ऑफेंडर इस सवाल का आंसर भी देख लो ये भी बड़ा शानदार सवाल है क्या लिखा हुआ यहां पर कि मीनिंग ऑफ सेक्शन इज अ पर्सन ऑफ ऑफेंडर किसको कहेंगे तो तो देखो habitual offender के बारे में थोड़ी बहुत अगर किसी ने बातचीत बातचीत की है न, तो वो करता है ना वो करता आपका सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो इसके बारे में बातचीत करता है ठीक है सीआरपीसी फिफ्टी फोर सी सही है हमारा तो कर लो यस फिफ्टी फोर ए सही हो गया यस कर लो एक बार और तो क्या है ना अब इस पॉइंट को समझो ऑफेंडर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन हंड्रेड एंड टेन ऑफ सी आर पी ऑफेंडर आप है जो किसको कहोगे पहला ऑप्शन एंड द रिकॉर्ड ऑफ कमीशन ऑफ मोर देन टू ऑफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट हिम पहला ऑप्शन वो हैबिचुअली कमिट द ऑफेंस या फिर वो हैबिचुअली रिमेन इन द कंपनी ऑफ द पर्सन वेबिचुअली डील पर्सन वो आर द आंसर द आंसर विल बी द फर्स्ट वन क्या होगा सी का जब आप सेक्शन 110 ओपन करोगे ना 110 ओपन करोगे तो वहां पर ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जहां पर बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है क्या कि जो लिस्ट वहां पर दे रही है उस लिस्ट का ऑफेंस है जो करता है और वहां पर कहीं कहीं जो है टू ऑफेंस मतलब उसने एक से ज्यादा ऑफेंस ये बात आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी लेकिन इन पर किया जाएगा सही आंसर जो आपका रहेगा सेक्शन हंड्रेड एंड टेन सी आर पी सी यहां से आपको इस पॉइंट को कनेक्ट है जो करना पड़ेगा और इस बंदे से तीन साल की सिक्योरिटी डिमांड की जा सकती है और इस केस में जो श्योरिटी है ना वो जरूरी है मैंडेटरी है विध श्योरिटी लेना जरूरी है अगर श्योरिटी नहीं है तो हैबिचुअल ऑफेंडर को क्या नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी डिमांड नहीं की जाती है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ और विदाउट विदाउटी दो तरीके होते हैं विथ और विदाउट विदाउटी उनमें से ये पॉइंट हमारे लिए क्या होता है बहुत ही रिलेवेंट है जो होता है अब मैं आपको कुछ एक बातें बता देता हूं जिसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए अप्लाई कर लीजिए देखिए यहां पर ये जो सेगमेंट आपके सामने आ रहा है ना ये एपीओ का पेपर एपीओ के पेपर के अंदर ये तो अभी तक बहुत सारे सवाल है हमारे सामने जिसको हमें क्या करना है डील है जो करना है अच्छे तरीके से वापस आपको रिमाइंड करवा रहा हूं इसी एपीओ के बारे में अभी रात को दस बजे में डिस्कशन करूंगा कि आप जो अगर जुडिश्री कैंडिडेट्स हो तो आपको ए का एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए चाहे एग्जाम के अंदर आप करियर बनाना चाहते हो या फिर आप उस एग्जाम के माध्यम से अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो उन दोनों का एंगल आपको रात को दस बजे यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके अलावा मैं आपको फिर से बता देता हूँ मंडे को शाम को आठ बजे डेली जुडिशियल सर्विसेस आप में से कई कैंडिडेट्स की के डिमांड थी इसलिए लेकर आ रहा हूं डी का पेपर सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा रात को आठ बजे कितने बजे रात को आठ बजे शाम के टाइम मेरा यूट्यूब का आने का टाइम फिक्स रहेगा एट पी पर डी को संडे को नहीं आपके मंडे को जो है 28 मार्च को रात को आठ बजे डीजीएस का पेपर और उसी दिन रात को दस बजे हम क्या करेंगे डीजीएस के बारे में स्ट्रेटजी डिस्कस है जो करेंगे डीजेस डेली जुडिशियल सर्विस के एग्जाम की हाँ, बिल्कुल क्या होगा यूट्यूब के ऊपर आपका एग्जाम रहने वाला है एक और चीज ये जो आप अभी एपीपी का पेपर सॉल्व कर रहे हो ना इस एपीपी के अंदर जो क्रिमिनल माइनर के सवाल आ रखे हैं क्रिमिनल माइनर लॉ के जो क्वेश्चन आ रखे हैं ओके और खासकर इसके अंदर एक लोकल लॉ भी है ओके एक क्या इनफेक्ट दो लोकल लॉ है उसको डील करेंगे आपके अनुपसर और अपूर्वा मैम और साथ साथ मैं आपको बता देता हूं यहां पर यहां पर जो है मंडे को मॉर्निंग के अंदर मंडे को मॉर्निंग के अंदर यहां पर जो है आपके शिवानी मैम लेकर आने वाले हैं क्या स्पेशल मैरिज एक्ट की एक सिंगल क्लास एक क्लास के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं एक क्लास के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट को मैम जो है कंप्लीट करने वाले ये जरूर देखना ठीक है इसके अंदर क्या है लगभग लगभग जो आपके स्पेशल मैरिज जहां जहां पर भी आ रहा है उसके सेगमेंट आपके लिए कवर होंगे ठीक तो देख सकते हो आप भैया हमारे सारे एजुकेटर लगे हुए हैं आपकी सेवा के अंदर ही बस अब आप लोग जो हैं कितना प्यार और स्नेह बरसाते हो जैसा अभी बरसा रहे हो है ना ये बना के रखना बाकी हिम्मत ना तो हमारी टूटेगी ना हमारे एजुकेटर की टूटेगी ना आपके लिए कभी प्यार हमारा कम होगा ओके यूपी के लिए बिल्कुल तो ये आप ध्यान रख लीजिए ये आपके सारे सेगमेंट हैं आपके मॉर्निंग के अंदर मंडे मॉर्निंग दस बजे देन आफ्टर आपके जो है मंडे uh, को शाम को पाँच बजे यानी कि मंडे का पूरा स्केड्यूल टाइट है मंडे का पूरा स्केड्यूल खींच के रखा गया है अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा यूट्यूब पर ही होने वाला है और साथ साथ में ये भी देख लो प्राइस हाइक होने वाला मैं आपको बता देता हूँ चार दिन बाद आफ्टर फोर डेज एक अप्रैल से आपका प्राइस जो है वो हाइक हो जाएगा बढ़ जाएंगी रेटें अगर आप चाहते हो अभी इसका बेनिफिट उठाना यानी कि अगर आप चाहे जुडिशरी का हो और रही बात एपीपी का तो एपीपी का भी 50-60 परसेंट तो पोर्शन हमारे जुडिशरी के साथ होगा हो ही होगा लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली जो आपके एडिशनल लॉ है उसको भी डील करवाया जाएगा है ना लेकिन वो डिपेंड करता है जब आप इस क्लास के कमेंट्स में इस बात की इच्छा जाहिर करोगे कि हाँ आपको एपीपी बैच की रिक्वायरमेंट है तो है ना रिक्वायरमेंट है तो ही बैच स्टार्ट करेंगे वरना नहीं ठीक तो आपकी जुडिशी तेरह अप्रैल को वैसे ही अपना नया बैच लॉन्च हो रहा है कॉम्प्रीहसिव बैच चार दिन बचे हैं आपके पास में लिंकिंग कोड इस्तेमाल करके 10 परसेंट आप लेस कर सकते हो साथ साथ लिंकिंग लॉस के सारे बेनिफिट ऑबियस बात है आपके पास अवेल है जो होंगे ये एक सिंगल नंबर है आपको किसी तरह का कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप इस नंबर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इस नंबर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ये एक सिंबल ऑफिशियल नंबर है ओके okay? आप चाहो तो इस नंबर को सेव भी कर लो ऑफिशियल नंबर है जहां पर आप क्या कर सकते कर सकते सकते हो हो बातचीत किसी भी कोर्स का कोई भी जानकारी लेना है ले सकते हो ठीक है तेरह अप्रैल आपका ये सेगमेंट है 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 जो जो रहेगा आइकॉनिक प्लस प्लस आपको पता ही टू मिलने वाली होती है आइकॉनिक के बैच में किसमें आइकॉनिक वन टू वन सर यूपी के पेपर के लिए स्ट्रेटजी बता दीजिए मनीष जी बिल्कुल इसका भी प्लान बनाएंगे अपन प्रॉपर तरीके से और इनफैक्ट जो 13 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो रहा है ना उसको फोकस राजस्थान यूपी एम की जो आने वाली हैं उन पर ही है छत्तीसगढ़ हो गया बिहार हो गया झारखंड हो गया दिल्ली हो गया आने वाली वैकेंसी कह रहा हूं मैं जो करंट वाली वैकेंसी वो नहीं क्योंकि वो बैच तकरीबन 10 से 12 महीने का होगा आप में से जो एल के स्टूडेंट हैं उनके लिए फिर से कह रहा हूं अच्छा मौका है टाइम पर आप चाहो तो इसको एन कैश है जो कर सकते हो वरना फिर प्राइज है नए साल के साथ में नए फाइनेंशियल के साथ में प्राइज का जम्प भी है जो होगा ओके okay? तो ये सारी आने वाले टाइम की आपकी क्लासेस जरूर देखेगा हर एजुकेटर अपनी पूरे जज्बात और जान के साथ आपके लिए क्लास लेता है ठीक है आपको भी उसका बेनिफिट लेना चाहिए द फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सीआरपीसी क्या है इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन क्या है एपी राजस्थान का कोर्स लेकर आए अनडमी प्लस पे शिवानी कंवर जी मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं जब ये क्लास खत्म हो जाए तो आपको नीचे कमेंट्स में जब क्लास ऑफ हो जाए तो नीचे उस कमेंट में और उसके अकॉर्डिंग ही पता चल पाएगा कि APP, का बैच लाना है कि नहीं लाना है उसके अकॉर्डिंग चलिए द फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा ध्यान से देख लीजिए तो इसका इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन हमेशा एफ होती है जब तक एफ दर्ज नहीं हो ना तब तक क्या नहीं होता है तब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होता है जब तक एफ दर्ज नहीं हो तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है ओके अजी क्या है कि मेरे चार सेमेस्टर हैं चार हो या दस हो एल पूरी करो टाइम पे अपना जुडिशी का ड्रीम पूरा करो एफ आई आर इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ पता है सेक्शन वन फिफ्टी के तहत हम जब मान लीजिए एस ने मना कर दिया एस ने मना कर दिया तो हम उसके पास जाते हैं है ना किसके पास मजिस्ट्रेट के पास में डायरेक्शन लेके आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने का वहां पर भी पहले एफआईआर दर्ज होगी फिर इन्वेस्टिगेशन होगा पहले एफ होगी फिर इन्वेस्टिगेशन है जो वहां पर होता है तो कह रही सिंपल सा सवाल है एफ इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या होता है वो भी ध्यान रखना कलेक्ट एविडेंस इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या होता है एविडेंस है जो कलेक्ट करना साक्ष्य इकट्ठे करना अच्छा एक जजमेंट आपसे पूछा गया था कि भाई जो आपका सीआरपीसी का सेक्शन 160 है उसके तहत क्या होता है कि आप जो है स्पेसिफिक महिला वगैरह को छोड़कर बाकी सबको पुलिस थाने में बुला सकते हो अब यहां पर एक बात की गई अब वुमन मिटनेस मे बी कॉल टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम एट अदर प्लेस देन हर रेजिडेंस अपने रेजिडेंस के अलावा उसको अन्य जगह पर भी बुलाया जा सकता है अगर ऐसा जरूरी है तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड प्रायर परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट हैज बिन टेकन इन दिस रिगार्ड और अगर आपने प्रायर परमिशन ले लिया तो ये बात कौन से जजमेंट के अंदर आई थी ध्यान रखना ये वाली बात सेक्शन 160 में क्या होता है कि वहां पर रेस्ट्रिक्शन है के okay. जैसे महिलाओं को जो है स्पेसिफिकली पे आप नहीं बुला सकते तो अब उस पॉइंट को लेकर कमल कमलंता क्या है कमलांता नाथ बनाम तमिलनाडु वाला जजमेंट आया था जिसमें अगर मजिस्ट्रेट परमिशन दे दे तो क्या किया जा सकता है महिला को उसके निवास स्थान के अलावा अलग जगह पर बुलाकर वन सिक्सटी वाली प्रोसीजर को फुलफिल किया जा सकता है अगला सवाल यहां पर क्या था स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन मे बी रिकॉर्डेड इवन एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन सवाल को समझो आप आर का क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन मे बी रिकॉर्डेड इवन एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ ऑफ सच पर्सन बाय द मजिस्ट्रेट मतलब आप किसी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो ओथ पर शपथ पर आपको याद हो सेक्शन 164 सिक्सटी सीआरपीसी जिसमें कन्फेशन भी रिकॉर्ड होता है अदर स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होता है कन्फेशन कभी भी ओथ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती है लेकिन जो अदर स्टेटमेंट है अदर स्टेटमेंट इन द सेंस आपके यहाँ पर जो पॉइंट आएगा कौन सा वन सिक्सटी फोर का जो क्लॉज फाइव है सेक्शन वन सिक्सटी फोर का जो क्लॉज फाइव है, है ना? उस क्लॉज के अंदर बाय द मजिस्ट्रेट अंडर प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी इट हैज बीन प्रोवाइडेड तो कौन से प्रोविजन में इस बात का जिक्र है जो कर रखा है तो ध्यान से सुनना सेक्शन 164 के फोर में अब मैं यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं सीआरपीसी के अंदर ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं ना उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना पड़ता है कुछ जगहों पर तो अलाउ है कुछ जगहों पर तो इजाजत है कि आप ओथ पे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन सवाल ये आता है जैसे 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड आप कर रहे हो सेक्शन 200 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो क्या क्या सब जगह पर ओत होती है है ये सोचने की जरूरत कई बार एग्जाम के अंदर इस तरीके का सवाल आया है और वहां पर जो है जाने अनजाने में गलतियां भी होती है ओके okay, तो ये हमारे सामने अभी भी इसके कई सारे सवाल है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन वन सिक्सटी सेवन ऑफ सीआरपीसी द मोस्ट असेंशियल रिक्वायरमेंट इज दैट अरेस्टेड पर्सन 167 के अकॉर्डिंग मोस्ट असेंशियल रिक्वायरमेंट क्या मैं आपको एक चीज बताता हूं जब हम लोग क्लास के अंदर रेगुलर क्लास में चीजों को डील करते हैं ना तो एक टेक्निक होती है पोस्टमार्टम टेक्निक उसमें क्या किया जाता है सेक्शन का पोस्टमार्टम करते हैं अपन जैसे सेक्शन वन है अब इसके अंदर आपके क्लॉज वन टू टू ए थ्री, फोर करके इस टोटल सिक्स तक अलग अलग क्लॉजेज हैं अगर आप इनको अलग अलग क्लॉजे के अंदर डिवाइड कर दोगे पोस्टमार्टम कर दोगे ना तो वन सिक्सटी सेवन अपने आप में अपनी पिक्चर बाहर जाहिर करेगा आपने देखा हो कि लिंकिंग लॉ तनसुख सर वाला जो अपना टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने बर्ड व्यू का एक नया कॉन्सेप्ट चलाया है बर्ड व्यू मतलब पूरे के पूरे उस बेरेक का एक सिंगल बर्ड व्यू हम आपको अवेलेबल करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है टेंशन टेंशन ना लो आप तो बस पढ़ो यार पढ़ो बस आपको लगता है कि यहां पर आपको डेफ्थ में जानकारी लेनी है डेफ्थ में सीखना है तो ये आप पैसे खर्च करो बाकी आप नॉर्मल कैजुअल पढ़ रहे हो तो कैजुअल तो आप यूट्यूब व्यूट्यूब पर खूब है टेलीग्राम चैनल पर भी आके अच्छे से चीजों को देख सकते हो तो वहां पर वो बर्ड व्यू बर्ड व्यू का पेज है ना जरूर सेव करके रखना और मेरी आपसे स्ट्रांग रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूँ कि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना वो मेहनत आप लोगों तक पहुँच सके

आपके लिंकिंग लॉ तनसुख सर के नाम का अपना टेलीग्राम ग्रुप है आप जाके ज्वाइन है जो वहां पे कर सकते हैं और नहीं तो अपने अन अकेडमी एप डाउनलोड कर लो वहां पे तनसुख पालीवाल का जो प्रोफाइल है उसकी कम्युनिटी के अंदर मैं वो चीजों को शेयर करने वाला हूं ठीक है गो एट फॉर दैट अब फॉर द पर्पज ऑफ वन हमारे पास में सेक्शन आया है ना क्या लिखा हुआ इसमें मोस्ट असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द अरेस्टेड पर्सन क्या बताई क्या होती है कि जब पहली बार उसको कोई भी जेसीपीसी देनी है CPC देनी है तो उस पर्सन को हमें क्या करना पड़ेगा सामने लाना पड़ता है कहां पे मिलेगा मैं बता तो चुका हूं स्वर सारी। कहां मिलेगा? Linking laws, तंसुक सर। ये पे सर्च करना आपको मिल जाएगा मेरा एक हस्ता खिलखिलाता हुआ फोटो रखा हुआ है आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड पंद्रह हजार लॉ लिंकर्स जो है हम उस ग्रुप से कनेक्टेड है ठीक है तो आप भी उसका पार्ट बनिए और उसका बेनिफिट उठाइए ठीक है तो यहां पर क्या है ध्यान से सुन लीजिए इसमें ये लिखा हुआ है कि जब पर्सन को पेश किया जाता है ना तो पहली बार उस पर्सन person को पर्सनली पेश किया जाएगा इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज और सेकंड टाइम फिर आपको इस तरीके से लिंक है जो मतलब सेकंड टाइम फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वीडियो के माध्यम से अलाउ किया जाता है एक्चुअल में नियम तो ये है कि आपको जब भी पेश किया जाए जेसीपीसी लेने के लिए तो पहले पर्सनली पेश किया जाना चाहिए व्यक्तिगत रूप से आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाए फिर वहां से वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा आपको जुडिशियल कस्टडी या फिर आपको जो है पुलिस कस्टडी का ऑर्डर है जो करेगा ठीक है चलिए तो अब यहां पर यह पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब YouTube का मैं लास्ट सवाल ले रहा हूं बाकी के सवाल में आपके स्पेशल क्लास में डील करने वाला हूं क्योंकि वहां पे होता है कंफर्ट जोन आप एक बार उस ऐप के अंदर आगे क्लास अटेंड करोगे ना आपको रियल टाइम में फील होगा कि वाकई में कितने कंफर्टेबली आप उस क्लास को अटेंड कर पा रहे हो वहां पर आपको तीन फैसिलिटी स्पेशल पहली फैसिलिटी पोल की जितने भी कैंडिडेट्स है ना तुरंत पोल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका आंसर किस तरीके का है नंबर वन चीज ठीक है नंबर टू वहां पर डाउट रेज करने की और नंबर थ्री वन टू वन बातचीत करने की रेज हैंड करो और वन टू वन जो है बातचीत हो पाएगी इससे क्या होता है इससे एक फीलिंग जाती है ये जो सबसे बड़ी विडंबना है ना कि ऑनलाइन एजुकेशन हम कैसे पढ़ेंगे आप में से कई लोग होंगे कई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो कि यार ऑनलाइन तो यार अपाणे समझ में कौन नहीं आवा है तो ये आपाणे को मैं बता देता हूँ उन लोगों को बता देता हूँ जानकारी सुन लो अच्छे से कि हम लोग ऑफलाइन क्यों पढ़ते हैं ताकि हाथ खड़ा कर अपना डाउट सॉर्ट आउट कर सके सेम चीज अन अकेडमी ऐप पर उपलब्ध है और ये शायद इंडिया में मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी पहला ऐसा ऐप है जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतना साउंड है रेज हैंड करो वन टू वन आपका बातचीत होगा डाउट है जो आप शॉर्ट आउट कर पाओगे डायरी का प्रयोग किस पर्पस के लिए किया जा सकता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस फॉर एड इन इंक्वायरी और ट्रायल टू द कोर्ट फॉर एड इन इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस बहुत ही अच्छा सवाल ही है यह अपने आप में बहुत ही क्रुशियल सवाल है देखिए नहीं दस बजे यूट्यूब पर नहीं होगा अन अकेडमी ऐप पर होगा आपको क्या करना पड़ेगा अन अकेडमी ऐप जो है डाउनलोड करके रखना है और फिर जो लिंक मैं आपको शेयर करने वाला हूं हो सकता है लिंक शायद आपके कमेंट बॉक्स में हो कमेंट बॉक्स में नहीं है तो वहां पर आपको जो है क्या मिल जाएगा लिंक आपके तनसुख पालेवा लिंकिंग लॉस तनसुख सर का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगा नहीं तो कम्युनिटी में मिल जाएगा देखिए तो इसका उद्देश्य क्या बताओ थर्टी का आंसर यहां पर क्या होगा आप समझो देखिए प्लस वालों कोई है हां शिवानी जी बिल्कुल वो फैसिलिटी प्लस वालों के पास में ही है तो बात उसी की तो हो रही है ना बात उसी की तो हो रही है कि भाई जो प्लस वाले कैंडिडेट्स उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे खैर पढ़ना है तो कैंडिडेट्स हर जगह पे आएगा और जहां पे अच्छी जगह पर डेफिनेटली आके चीजों को समझेगा खैर तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा अब देखो दो चीजों में इलेक्शन कलेक्शन ऑफ एविडेंस ये तो क्या होता है आपके इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ये पुलिस डायरी वाली बात नहीं होती है एड इन द इंक्वायरी और ट्रायल टू द कोर्ट क्या किया जा सके मदद है जो की जा सके आप अगर सीआरपीसी का 172 निकालोगे ना तो आपको ये वर्ड बहुत बारीकी में लिखा हुआ मिलेगा बहुत बारीकी में लिखा हुआ मिलेगा वॉट विल बी द करेक्ट आंसर द सी विल बी थर्ड पॉइंट विल बी द करेक्ट आंसर ये सवाल पूछा गया ना मतलब लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर पॉइंट आपसे पूछ लिया गया जनरली हम ये याद करके जाते हैं कि यार पुलिस डायरी की एविडेंस वैल्यू क्या है जनरली हम ये याद करके जाते हैं लेकिन इसने सवाल थोड़ा अलग पूछ लिया है एड इन द इंक्वायरी और ट्रायल मतलब उस इंक्वायरी ट्रायल में उसकी सहायता ली जा सके उसकी मदद मतलब चीजों को डील है जो किया जा सके खैर तो ये आपके सवाल है अभी सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है मैं आपको बता देता हूं अभी कई सारे सवाल हमारे पेंडिंग हैं लेकिन मैं चाहता हूँ उन सवालों को अच्छे तरीके से कंफर्ट जोन में करें ये आप देखिए यहाँ पर 33 थ्री से लगाकर प्रोबेबली सिक्सटी तक 66 तक की क्वेश्चन हैं जिनको हम डील करेंगे कहाँ पर अन अकेडमी ऐप के अंदर आपको मैं तरीका बता देता हूँ आप किस तरीके से उस क्लास को अटेंड कर पाएंगे आपको जो है अपने प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर पे जाकर अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है नंबर वन चीज और फिर वहां पर आप जो है जाके इसमें सेलेक्ट करोगे तो जुडिशल गोल सेलेक्ट करना है आपको जुडिश्री का गोल सेलेक्ट करना है ठीक है वहां पर आपको मेरे नाम से तनसुख पालवाल के नाम से प्रोफाइल सर्च करोगे तो दिख जाएगी प्रोफाइल के अंदर ही क्लास ऊपर ऊपर आपको दिखेगी नहीं तो आप वहां की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना लेकिन हाँ क्लास अनलॉक करते समय या आपका ऐप इंस्टॉल करते समय आपको लिंकिंग कोड एज ए नीचे रेफरल में डालना होता है ठीक है ताकि आप उसका बेनिफिट है जो एनकेश कर पाओ और नहीं तो लिंकिंग लॉ तनसू सर के टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट है ना वहां पर मैं इस लिंक को जल्दी शेयर करने वाला हूं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अभी यूट्यूब के लिए इतना ही लेकिन अभी हमारा दिन अस्त नहीं हुआ अभी हम लोग देखो आज आपने सवालों का लेवल देखा ये सवाल एक से एक बेहतरीन है क्या है एक से एक बेहतरीन सवाल है तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं बाकी के पॉइंट को भी आप जरूर अटेंड करो बाकी के पॉइंट को भी अच्छे तरीके से जरूर ऑब्जर्व है जो कीजिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आज की क्लास के लिए अभी यूट्यूब की क्लास के लिए इतना ही मिलता हूं आपसे मैं दस बजे थोड़ा ब्रेक ब्रेक ले लो खाना वाना खाना खा लो क्योंकि वहां पर भी हम लोग एक से डेढ़ घंटा पढ़ाई करने वाले हैं और ऐसे कई प्रैक्टिकल सवाल सॉल्व करने वाले हैं एम पी एडीपीओ छत्तीसगढ़ एपीओ और राजस्थान एपीओ इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कहां पर दस बजे जुडिशरी के कैंडिडेट्स को एग्जाम का वो सवाल एग्जाम में एपीओ का एग्जाम में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए वो सारी बातें वहीं पर है जो आएगी ठीक है चलो भाई सो थैंक यू थैंक यू सो मच जो भी कैंडिडेट्स एपीओ के बारे में सब कुछ जानना चाहता है डिटेल बी देयर एट टेन पी एम ऑन अन अकेडमी ऐप इसका लिंक अभी आपको कमेंट्स में भी शेयर कर दूंगा आप दो मिनट कनेक्टेड रहिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिंक में शेयर कर देता हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच